बनाने में, ये चल रहा है। और बजट बनता कैसे, अभी आ रहा है बजट, वो बनता कैसे उसको समझ लीजिए कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी कर्जे का ब्याज चुकाने में खर्च हुआ, उसके बाद 20,000 करोड़ रुपया सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह देने में खर्च होता, और उस 20,000 करोड़ के बाद लगभग 5 से 6 हजार करोड़ रुपया पेंशन देने में खर्च होता, उसके बाद भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय का बजट है वो 20-22 हजार करोड़ का उसमें चला जाता, और उसके बाद जो कुछ बचा है वो सब नॉन प्लैंड एक्सपेंडिचर में चला जाता है। प्लैंड एक्सपेंडिचर से कई गुना ज्यादा नॉन प्लैंड एक्सपेंडिचर है, माने जहां सच में पैसा लगना चाहिए वहां पैसा लगता नहीं है, और जहां पैसा नहीं लगना चाहिए, कम होना चाहिए, वहां सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता, और वो बराबर घाटा चलता रहता है। तो उस घाटे को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, या तो नोट छापते हैं, और नोट छापने से काम नहीं चलता है तो हिंदुस्तान की सरकार फिर विदेशों से कर्ज लेके आती है। और अब की बार तो सरकार ने अद्भुत फैसला किया है आपको लूटने का, जानते हैं क्या किया, भारत सरकार के रिजर्व बैंक ने तय कर लिया है कि इस साल 100 रुपए का सिक्का छापेंगे, और 100 रुपए का सिक्का आपको 200 रुपए में बेचा जाएगा। जरा सोचिए, ये आजाद हिंदुस्तान के बनने वाले नियम है कि 100 रुपए का सिक्का बनेगा वो आपको बेचा जाएगा 200 रुपए में, माने हर एक आदमी की जेब से 100 रुपया निकाला जाएगा। ये सरकारें लूटने का काम कर रही हैं, ये सरकारें हैं, ये तो डकैत हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, लुटेरे, इनको सरकार कहना तो सरकार शब्द की तौहीन करना है मेरे हिसाब से। और अंग्रेजों ने दोस्तों जितना नहीं लूटा है इस देश को, उससे ज्यादा लूट पिछले 50 साल में इस देश की हुई। इसी देश के कुछ बड़े अर्थशास्त्रियों में, जिनमें प्रोफेसर एस के गोयल और ब्रह्मानंद जैसे लोग हैं, उनके कुछ रफ एस्टीमेट हैं। मैं एक दिन हिसाब लगा रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितना लूट कर ले जाती थी एक साल में इस देश से, तो भारत सरकार, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक साल का नेट प्रॉफिट 60 करोड़ रुपए के बराबर था। तो 60 करोड़ रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी दर वर्ष ले जाती थी लूट कर, अब कितना लूट रहे हैं। हिंदुस्तान में इस समय 4,000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां एक साल में मिलकर करीब 70,000 करोड़ रुपए ले जाते हैं। जब हम गुलाम थे तो हमारी कम लूट होती थी, अब आजाद हो गए हैं तो इस देश में लूट ज्यादा बढ़ गई है। और कुछ उदाहरण से समझ लीजिए कि लूट कैसे होती है। पेप्सी कोला और कोका कोला कुछ नहीं बेचता, पानी बेचता, और पानी बेचकर पिछले साल ये दोनों कंपनियों ने 240 करोड़ रुपए लूटा है, 240 करोड़ रुपए लूटा। एक बाजू में इस देश में लाखों गांवों में पीने का पानी नहीं है, और भारत सरकार इस बात को कहती है पार्लियामेंट में, शर्म आनी चाहिए कि आजादी के 50 साल बाद भी लाखों गांवों में पीने का पानी नहीं है। और ये हालत आपको देखनी हो तो ज्यादा दूर मत जाइए, गुजरात के कच्छ के इलाके में चले जाइए। मैं 3 महीने रहा हूँ कच्छ में, जब कारगिल कंपनी के खिलाफ अभियान चलता था तो मैं 3 महीने कच्छ में रहा था। 4-4 दिन में 5-5 दिन में एक टैंकर आता है एक एक गाँव में, 4-4 दिन में 5-5 पीने का पानी नहीं होता। लेकिन उन गांवों में मैंने पेप्सी कोला कोका कोला दिखते देखा, शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलेगा, पेप्सी बिकेगा इस देश में, और पेप्सी बिकेगा तो उसका 240 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के खून पसीने की कमाई का वो अमेरिका ले जाएंगे। इस 240 करोड़ रुपए से हिंदुस्तान के 2.5 लाख गांवों में पीने का पानी दिया जा सकता, जितने पैसे से हम पेप्सी और कोका कोला पी के अमरीका पैसा देते। और बराबर हम भी यही कहते हैं, भारत माता की जय, 240 करोड़ दो अमरीका, और ताली पीट के भारत माता की जय। भारत माता की जय कहां से होने वाली है। और हम भी यही मानते हैं कि जब तक पेप्सी नहीं पिएंगे, कोका कोला नहीं पिएंगे, हमारा विकास नहीं होएगा। पहले घर घर में, गली गली में जाते थे, कोई केरी का रस पिलाता था, कोई शिरडी का रस पिलाता था, कोई नींबू का रस पिलाता था। अब घुसिए घर में, सबसे पहले पूछिए, राजीव भाई चाय पियेंगे, राजीव भाई कहेंगे नहीं नहीं चाय नहीं पियेंगे, तो कॉफी पियेंगे, नहीं नहीं कॉफी भी नहीं पियेंगे, तो ठंडा पियेंगे, पेप्सी या कोका कोला पियेंगे। माने चाय पिलाओ तो मारो राजीव भाई को, क्योंकि कैफीन है, निकोटिन है, दोनों ही जहर है। कॉफी पिलाओ तो भी मारो राजीव भाई को, और ऊपर से ठंडा पिला दो तो और जल्दी मार डालो राजीव भाई। आए हैं राजीव भाई अतिथि बनके और पिला रहे हैं उनको कोका कोला, माने कार्बन डाइऑक्साइड। दिमाग ऐसा गुलाम हो गया है कि एक मिनट सोचते नहीं है कि हम कर क्या रहे। और यह सब विकास के नाम से होता। और एक एक कंपनी इस देश में आई है, ये जो विदेशी कंपनियां है ना, एक कंपनी है उसका नाम है कॉलगेट पामोलिव, अमेरिका की कंपनी है, इस देश में आई 50,000 रुपए की पूंजी से, उसने इस देश में धंधा शुरू किया। आज कॉलगेट पामोलिव कंपनी के एक साल के प्रॉफिट 180 करोड़ रुपए के, 50,000 से धंधा शुरू किया उसने। हिंदुस्तान लीवर हॉलैंड की कंपनी असली है, यूनी लीवर है, इस देश में आई धंधा करने, 24 लाख रुपए से धंधा शुरू किया, और आज इस कंपनी के प्रॉफिट 480 करोड़ रुपए के आसपास।
कुछ लाख रुपए लेके आते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति यहाँ से बटोर के ले जाते हैं, पूंजी वो नहीं लाते हैं, पूंजी हमारे यहाँ से उनके यहाँ जाती है। और ये सारे गरीब देशों की यही हालत है। दुनिया के 120 गरीब देशों से जितनी पूंजी दुनिया के अमीर देशों में जाती है आप सोच नहीं सकते। लास्ट ईयर के आंकड़े हैं अंक टाट के, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लास्ट ईयर की बुकलेट के आंकड़े हैं, वो मैं कोट कर रहा हूं कि 120 देशों में एक साल में अमीर देशों से लगभग 500 बिलियन डॉलर की पूंजी आती है, कर्जे के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में, फॉरेन एड के रूप में। और इन्हीं 120 देशों से अमीर देशों को जो जाने वाली पूंजी है वो 745 अरब डॉलर है, 745 बिलियन डॉलर चला जाता है, 500 बिलियन वहां से आता कम है, जाता ज्यादा है, पूंजी वो नहीं लाते हैं, पूंजी हम उनको देते हैं। ये उल्टा दुष्चक्र बनाया हुआ, और इसी लूट के दुष्चक्र को कायम बनाने के लिए ये लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, गेट है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, ये जितने तामझाम है ये सभी इस लूट के सिलसिले को बरकरार बनाए रखने के लिए। और एक आखिरी बात आपसे और कहता हूं कि एक बाजू में तो ये लूट चल रही, आर्थिक शोषण चल रहा, राजनीति की हालत कितनी नपुंसक है वो आप देख रहे हैं कि इस देश के पार्लियामेंट के माध्यम से सब कुछ बिक रहा। अभी तो हीरे की खदान बिकेगी विदेशी कंपनी को, सोने की खदान बिकेगी विदेशी कंपनी को, कोलसा की खदान बेचने का फैसला हो गया विदेशी कंपनियों को, ऑयल एंड नेचुरल गैस जितना जमीन के अंदर है वो विदेशी कंपनियों को बेचना है, वो घोषणा अभी यहाँ प्रधानमंत्री करके गए हैं बंबई में एक हफ्ते पहले। तो जितना जमीन के अंदर सोना है, चांदी है, हीरा है, कोलसा है, या आपके जमीन के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस है, ये सब विदेशी कंपनियों को बिकेगा, ये तो धड़ल्ले से चल रहा। और इसके अलावा जितने पब्लिक सेक्टर हैं वो भी बिकेंगे। आज का अखबार आप उठाइए देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, भारत सरकार ने एक कमीशन बनाया पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, उन्होंने रिकमेंडेशन करना चालू किया कि सब पब्लिक सेक्टर बेचो एक तरफ। और इन पब्लिक सेक्टर्स में मालूम है पैसा किसका? आपका है, मेरा, हमारे आपके खून पसीने की कमाई का, टैक्स का। इस देश के पब्लिक सेक्टर में 3 लाख करोड़ रुपया लगाया हुआ, इनके बाप का नहीं है जो ये बेच रहे। और एक मिनट भी इन्होंने पार्लियामेंट से इजाजत नहीं ली, ये कहते हैं कि हमारे कैबिनेट ने फैसला कर लिया हम बेचेंगे। तो तुम्हारा कैबिनेट देश बेचने का फैसला कर चुका है तो देश बेचेंगे। और ये देश बेच क्यों रहे हैं? दिमाग में बराबर ध्यान रखिए, मीर जाफर ने इस देश को क्यों बेचा था? कुर्सी के लिए, पैसे के लिए। दो ही चीजें चाहिए हर एक नेता को, या तो कुर्सी चाहिए या तो पैसा चाहिए। तो एक बाजू में तो देश बिक रहा है और दूसरे बाजू में उनको लगता है कि इस देश में जब नौजवान को ये बात समझ में आने लगेगी, कोई राजीव दीक्षित या कोई अतुल शाह या कोई XYZ इस देश में घूम जाएगा तो कोई दूसरा विवेकानंद भी पैदा हो सकता है, ये डर लगता है। और जानते हैं ये डर से वो करते क्या है? उनको बराबर विदेशी कंपनी वालों को, विदेशी ताकत वालों को इस बात का डर है कि हिंदुस्तान की माटी में ऐसी कुछ खासियत है कि यहाँ कोई भगत सिंह हो जाता, कोई चंद्रशेखर हो जाता, कोई उधम सिंह हो जाता, कोई विवेकानंद हो जाता, कोई दयानंद हो जाता, कोई कुछ हो जाता। ये माटी की खासियत है, ये माटी कभी वीर विहीन नहीं रही है, हजारों साल से इस देश का यही इतिहास है। तो उनको डर लगता है, तो उस डर को उन्होंने खत्म करने के लिए जानते हैं क्या किया? उनका सीधा सा फॉर्मूला है कि हिंदुस्तान का कोई भी नौजवान स्वामी विवेकानंद ना होने पाए, हिंदुस्तान का हर नौजवान माइकल जैक्सन हो जाए, उसकी तैयारी वो करते हैं। उनको डर है कि माइकल जैक्सन हो जाएंगे तो इस देश में कोई वांडा नहीं है, वो देश ही बेचने का काम करेंगे, भारतीय संस्कृति को बेचने का काम करेंगे। और अगर कोई दूसरा विवेकानंद खड़ा हो गया तो मल्टीनेशनल को मार मार के भगा देगा इस देश में, ये डर है। तो इसके लिए जानते हैं उन्होंने क्या किया? हिंदुस्तान के नौजवानों का चरित्र खलास करो, ये उनका 1-point program है। और इस 1-point program के लिए वो GTV लेकर आए हैं, CNN लेकर आए हैं, Star TV लेकर आए हैं, प्राइम स्टार आया है, Plus 21 आ गया है, वगैरह वगैरह 14-15 टेलीविजन चैनल इस देश में है। और रात दिन उन सारे टेलीविजन चैनलों पर जो कुछ दिखाया जाता है वो मनोरंजन नहीं है, वो मेरे और आपके चरित्र को बर्बाद कर देने का एक साधन है। और मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि भाई कल तक आपके घर में एंटीना लगा था, अब ये डिश एंटीना काहे को लगवा लिया? तो कहते राजीव भाई मनोरंजन करना, अभी डिश एंटीना नहीं होगा तो मनोरंजन कैसे करेंगे? तो जिनके घर में डिश एंटीना है उन्होंने डिश एंटीना लगवा लिया, और जिनके घर में डिश एंटीना नहीं है उन्होंने क्या किया? केबल कनेक्शन ले लिया। और इस घर में, इस देश में धन्य वो लोग हैं जो अपने घर में आग लगा रहे हैं और अपने पड़ोसियों के घर में भी आग लगा रहे हैं, डिश लगा लगा के, केबल लगा लगा।
घर घर में केबल कनेक्शन, घर घर में डिश एंटीना, और जिसके भी घर में घुसो पूछो कि भाई क्या करते हो, तो कहते राजीव भाई दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, तो कुछ तो मनोरंजन चाहिए। तो ठीक है मनोरंजन करो, तो क्या करते हैं मनोरंजन? छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनके साथ उनके मम्मी पापा बैठे हैं, उनके साथ उनके दादा दादी बैठे हैं, उनके साथ उनके नाना नानी बैठे हैं। तीन तीन पीढ़ियां एक साथ बैठी है और टेलीविजन पे क्या चल रहा? एटीएन। एटीएन पर क्या आता है? चोली के पीछे क्या चीज बड़ी है मस्त मस्त। और आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि चोली वाला गाना सुनकर आपका मनोरंजन होता है या कुछ और होता है? चीज बड़ी है मस्त मस्त वाला गाना सुन के आपका मनोरंजन होता है या कुछ और होता? और ये बात मैं खासकर नौजवानों से और बच्चों से कह रहा हूं कि तुम जरा अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ कि अगर मान लो मेरे सामने मेरी माँ खड़ी, तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ खड़ी है और टेलीविजन पर गीत आता है तेरी चोली के पीछे क्या है, अपनी माँ से पूछने की हिम्मत है तेरी चोली के पीछे क्या है? मान लो हमारे सामने हमारी बहन खड़ी जो हर साल मेरी कलाई पे राखी बांधती है और मेरे लिए दुआएं करती है भगवान से, वो बहन मेरे सामने खड़ी है और गीत आ रहा हो तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, अपनी बहन से ये पूछने की हिम्मत है तू चीज बड़ी है मस्त? और जो गीत हम हमारी माँ के सामने नहीं गा सकते, जो गीत हम हमारी बहन के सामने नहीं गा सकते, वो गीत इस देश के बच्चों को क्यों दिखाए जाते? जो गीत लिखने वाले हैं उनके बारे में तो मैं मान सकता हूं कि उन्होंने आत्मा बेचा है, शरीर बेचा है, सब कुछ बेचा। जो ऐसा गीत लिखते हैं भगवान उनकी आत्मा को जितनी जल्दी शांति दे उतना अच्छा। लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे दूसरा गुस्सा होता है कि घर घर में जहां अभी भी भारतीय संस्कृति की बातें कही जाती हैं, जिस देश में मुझे बचपन से यह सिखाया गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अभी उसी देश में मुझे कोई कहता है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, अभी उसी देश में कोई कहता है मुझे कि चोली के पीछे क्या। और इस देश में संस्कृति का कबाड़ा हो गया है जब मैं देश के नौजवानों को ये गाते हुए सुनता हूँ, मेरा दिल तो ये कहता है कि इस देश के नौजवानों को गाना चाहिए मेरा रंग दे बसंती चोला, लेकिन गा रहे हैं चोली के पीछे क्या है। ये संस्कृति का नाश हो रहा है, ये मनोरंजन नहीं हो रहा, और ये घर घर में आग लग रही है, सुलग रही है, अभी लगी नहीं है। जिस दिन घर घर में आग लगना शुरू हो जाएगी आपसे देखा नहीं जाएगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। और ये जो टेलीविजन आया है ये दो ही चीजें दिखाता है, या तो सेक्स की वल्गैरिटी या दिखाता है वॉयलेंस मारामारी। और इतनी वॉयलेंस इतनी मारामारी इतनी वल्गैरिटी दिखाते हैं, आपको मालूम है आपके ये छोटे छोटे बच्चे, ये छोटे छोटे नौनिहाल जिनके बारे में आप कल्पना करते हो कि ये भविष्य में अच्छे डॉक्टर बनेंगे, ये अच्छे इंजीनियर बनेंगे, ये अच्छे साइंटिस्ट बनेंगे, क्या देखते हैं? और एक एक घर में जिनके यहाँ केबल कनेक्शन आ गया है, डिश एंटीना आ गया है, मैंने मेरे शहर में सर्वे कराया था इलाहाबाद में, सामान्यतः छोटा बच्चा एक दिन में 5 घंटे टीवी देखता सामान्यतः। और होता क्या है, स्कूल से आया बच्चा फेंका टीवी चालू हो गया, अब उसकी अम्मा कहेगी कि बेटा खाना खाओ तो टीवी के सामने, अम्मा कहेगी बेटा होमवर्क करो तो टीवी के सामने, अम्मा कहेगी बेटा जाओ खेलने के लिए कि नहीं जाएंगे क्योंकि चित्रहार आ रहा, पड़ोसी का बेटा आपके घर में नहीं आएगा, आपका बेटा पड़ोसी के घर में नहीं जाएगा, दोनों बैठे हुए टेलीविजन देख रहे हैं, बच्चे खेलना कूदना भूल गए हैं, आपस की उनकी जो भीड़ा मुश्ती होती थी वो भी भूल गए, थोड़ी दौड़ भाग करते थे वो भी भूल गए, टीवी से चिपक कर बैठे। और ये टीवी का आकर्षण कितना जबरदस्त होता है, बच्चों को छोड़ दीजिए, बड़ों की बात कर रहा हूं, कि एक बार अगर चालू हो जाए और आपको दिख रहा है कि ये दृश्य हमको बराबर अच्छा नहीं लगता, आपकी हिम्मत नहीं होती कि उठ के उसको बंद कर दें, इतने गुलाम हो जाते हैं। ये टेलीविजन का जो आक्रमण है वो इतना जबरदस्त होता है कि अच्छे खासे विवेक वाले व्यक्ति, अच्छे खासे तर्क शक्ति रखने वाले व्यक्ति बराबर देखते हैं कि जो कुछ देख रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि उठ के उसको बंद कर दे, इतने गुलाम हो जाते हैं, इतना जबरदस्त आक्रमण होता है। और रात दिन उस पर जो आपके बच्चे देखते हैं, मैंने कुछ कैलकुलेशन किए कि एक 3 साल का बच्चा जब टीवी देखना शुरू करता और एक दिन में उसके घर में अगर केबल कनेक्शन है और 12-13 चैनल्स अगर उसके घर में उपलब्ध है, तो प्रतिदिन 5 घंटे के हिसाब से वो बच्चा 20 साल की उम्र में जब पहुंचता है तो अपनी आंखों के सामने 33,000 हत्याएं देखता, मर्डर से देखता 33,000 20 साल की उम्र तक पहुंचते।
और लगभग 72,000 टाइम्स वो बच्चा रेप केसेस देखता है या मोलेस्टेशन के केसेस देखता है। आप सोचो जरा एक गंभीर बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी नाम का एक छोटा सा बच्चा हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद सत्यवादी हो गया, तो हरिश्चंद्र का नाटक उस बच्चे के दिमाग पर इतना गहरा असर करता है कि जिंदगी भर सत्य और अहिंसा की बात करने वाला हो गया। तो जो बच्चे 30,000 बार मर्डर देख रहे हैं, 70,000-72,000 बार रेप केसेस देख रहे हैं, वो क्या बनने वाले हैं? आप उम्मीद करोगे कि हमारा बच्चा बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा? मैं आज आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आपका बच्चा हो सकता है गली का डॉन बने, माफिया बने। और यही बालक जो रात दिन टेलीविजन पे वल्गैरिटी देखेगा, ऑब्सिनिटी देखेगा, तो आप देखोगे कि उम्र के एक दौर में पहुंचकर सड़क के किनारे खड़े हो जाएगा, कोई भी बहन जाएगी तो सीटी बजाएगा या टॉन्ट कसेगा या फिकरा कसेगा। आप जरा पूछिए अपने अपने दिल से कि ये लोग कहाँ से पैदा हो रहे हैं जो हमारी बहन बेटियों को सड़क चलते छेड़ते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग? और इतनी हैवानियत और इतने राक्षसी पन वाले व्यक्ति जो 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, 10 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, 15 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ते, कहाँ से आते हैं? कौन सिखाता है उनको? किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है? आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के किसी स्कूल के सिलेबस में ये पढ़ाया जाता है? किसी बच्चे को जरा ये बताइए, या हिंदुस्तान की सिलेबस की किसी किताब में ये पढ़ाया जाता है ये बताइए? किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, घर में कोई सिखाता नहीं है उनको, उसके बावजूद ये सीखने वाले लोग कहां से आ जाते हैं? दो ही कारण है, या तो टेलीविजन या तो सिनेमा। और इस सिनेमा और टेलीविजन का असर क्या होता है मैं आपको शेयर कर सकता हूं। मैं अक्सर छोटे छोटे बच्चों से बात करता हूं। एक बार मेरे एक मित्र हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, उनका 3 साल का बच्चा, उससे मैंने पूछा कि बताओ तुम्हारा हीरो कौन है? कहने लगा संजय दत्त। तो मैंने कहा क्यों, महात्मा गांधी नहीं है कि नहीं है, भगत सिंह नहीं है कि नहीं है, चंद्रशेखर नहीं है कि नहीं है, स्वामी विवेकानंद नहीं है, नहीं है, इनमें से कोई मेरा हीरो नहीं है, मेरा हीरो है संजय दत्त। मैंने कहा क्यों है तुम्हारा हीरो संजय दत्त? कहने लगा राजीव अंकल वो 25 मंजिल की इमारत से जब कूदता तो उसको कभी चोट नहीं आती, उसके कपड़े भी नहीं फटते कभी। और वो जो संजय दत्त नाम का आदमी है जब मोटरसाइकिल लेके चलता है तो दीवार तोड़ के निकल जाता, मोटरसाइकिल नहीं टूटती, संजय दत्त का सिर नहीं टूटता, दीवार टूट जाती। फिर कहने लगा अंकल वो इतना ताकतवर है कि एक विलेन को भूसा मारे तो विलेन धराशायी हो जाता। तो उस बच्चे से मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा हीरो अगर इतना ताकतवर है तो 2 साल तक बंबई की आर्थर रोड जेल में बंद क्यों था? जो दीवार तोड़ के निकल आता है, 25 मंजिल इमारत टूट सकता है, वो बंबई की आर्थर रोड की दीवार नहीं तोड़ पाया? तो जानते हैं उस बच्चे ने बहुत गंभीरता से मुझे जवाब दिया, तो क्या ये सब झूठ होता? मैंने कहा और क्या सच होता? अब वो 3 साल का 4 साल का बच्चा, उसके भोलेपन को आप क्या कहोगे? क्योंकि रात दिन उसको झूठ दिखाया जा रहा है, रात दिन उसको मारामारी दिखाई जा रही है, रात दिन उसको वायलेंस दिखाई जा रही है। और ये जो वायलेंस होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। ये क्या होती है? जितनी बार आप मर्डर के सीन देखोगे, जितनी बार आपका बच्चा मारामारी देखेगा, उतनी बार उसके मन से दया, करुणा, प्रेम खत्म हो जाएगा। और हमारे यहाँ एक वाक्य कहा जाता है, दया धर्म का मूल है। अगर मेरे दिल में दया नहीं रहेगी तो धर्म कहाँ रहेगा? और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वायलेंस बहुत खतरनाक है जो दिखाई जा रही है, और ये जानबूझकर दिखाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि उनके पास अच्छे कार्यक्रम नहीं है, अच्छे कार्यक्रम बनाने वाले भी लोग हैं और अच्छे कार्यक्रम दिखाने वाले भी लोग हैं, लेकिन जानबूझकर वो दो ही चीजें दिखाएंगे, या तो सेक्स की वल्गैरिटी या वायलेंस और मारामारी। और ये वायलेंस और मारामारी हजारों हजारों बार देखते 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 हम इतने संवेदना शून्य हो गए हैं कि 1984 में जब 10,000 लोग भोपाल में मर गए तो किसी की आंखों से आंसू नहीं निकले इस देश में, इतने संवेदना शून्य हमको। सिनेमा में मर्डर देख देखकर, टेलीविजन पर मारामारी देख देखकर हमारे दिल की करुणा बिल्कुल सूख गई है, दया बिल्कुल खत्म हो गई है। हमारी आंखों के सामने जब मर्डर होता है हम बगल से होकर निकल जाते हैं। सारी इंसानियत, सारी मानवीयता एक तरफ धरी रहती है, टेलीविजन का असर इतना हावी होता। और इसलिए मैं आपसे दो ही बातें कहने आया हूँ कि एक बाजू में ये जो लूट चल रही है इसको रोक दीजिए, नहीं तो ये देश नहीं बचेगा, और दूसरे बाजू में ये जो टेलीविजन का आक्रमण चल रहा है इसको रोक दीजिए, नहीं तो आपका घर नहीं बचेगा।
देश बचेगा, समाज बचेगा, ये बहुत दूर की बात है। मैं तो आपसे विनम्रता पूर्वक ये कहने आया हूँ कि आप अपना घर बचा लीजिए, देश बचाएंगे, समाज बचाएंगे, दूर की बातें हैं, पहले आप अपना घर बचा लीजिए। और घर बचाने की बात इसलिए कह रहा हूँ कि हर मम्मी पप्पा के लिए अपना बेटा या बेटी दुनिया का सबसे लाड़ला व्यक्ति होता है, और उसी को आपने झोंक दिया है उन दरिंदों के सामने, उन भेड़ियों के सामने, जो जानते नहीं है मानवीयता क्या होती है, इंसानियत के गुण क्या होते हैं। ये घर घर में जो डिश एंटीना आ गया है, घर घर में ये जो केबल कनेक्शन आ गया है, और इसकी वजह से ये जो होड़ लग गई है कि मेरे पड़ोसी के घर में ये है तो मेरे घर में नहीं है, और जानते हैं ये सिखाता क्या है, आप जरा इसको गंभीरता से समझिए कि ये कितनी खतरनाक चीज है। टेलीविजन आपको सिखाता है घर की बड़े शान, पड़ोसी की जले जान, नेवर्स एनमी ओनर्स प्राइड। इसका माने जानते क्या, कि आपके घर की शान तब बढ़ेगी जब पड़ोसी की जान जलेगी। आपका धर्म क्या कहता है, पड़ोसी से प्यार करो, टेलीविजन कहता है पड़ोसी की जान जलाओ, और हम क्या कर रहे हैं, अपने पड़ोसी की जान जलाने के लिए ओनिडा खरीद लाए, पड़ोसी हमारी जान जलाने के लिए ओनिडा खरीद लाए, और दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जान जलाने में लगे हुए हैं। कब दोनों के घर जलेंगे किसी को नहीं मालूम। और जिस दिन दिमाग में मेरे जैसे किसी आदमी के ये बैठ जाता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, हम सब परेशान है ना, करप्शन करप्शन करप्शन, ये करप्शन की माँ कौन है, करप्शन की जड़ क्या है, उसको जरा समझिए। एक उदाहरण से मैं आपको बहुत गंभीर बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस दिन राजीव दीक्षित जैसे किसी नौजवान के दिमाग में ये बैठ जाता है कि घर की शान तब बढ़ेगी जब ओनिडा आएगा, घर की शान तब बढ़ेगी जब बीपीएल की वॉशिंग मशीन आएगी, घर की शान तब पड़ेगी जब कैलकुलेटर का रेफ्रिजरेटर आएगा, घर की शान तब पड़ेगी जब मारुति की कार आ जाएगी, तो राजीव दीक्षित कहेंगे भाई मेरी जेब में तो 10 रुपया नहीं, अब ओनिडा आएगा कहां। तो मेरे जैसा ईमानदार आदमी जिसके दिमाग में आपने ये डाल दिया कि घर की बढ़े शान और पड़ोसी की जले जान ओनिडा टेलीविजन, मैं देखता हूँ मेरी जेब में तो 10 रुपया नहीं है, ओनिडा टेलीविजन के लिए तो 17,000 रुपया चाहिए, तो रात दिन मेरे दिमाग में ये घन चक्कर शुरू हो जाएगा, घर की शान बढ़ाइए, पड़ोसी की जान जलाइए। और एक दिन ऐसा आएगा कि राजीव दीक्षित 17,000 रुपए के लिए अपनी आत्मा को बेच देंगे, देश को बेच देंगे, क्योंकि ओनिडा लाना है खरीद कर। यहीं से एक ईमानदार आदमी के बेईमान होने की कहानी शुरू हो जाती है। जिस दिन एक ईमानदार आदमी उसको कोच कोच कर कोई रोज कह रहा है कि तुम्हारे घर की शान तब बढ़ेगी जब ओनिडा आएगा, तो वो ईमानदार आदमी 17,000 रुपए लाने के चक्कर में कहीं से रिश्वत लेगा, चोरी करेगा, डकैती डालेगा, आत्मा को बेचना पड़ेगा, बेच देगा, उसके घर में ओनिडा आ जाएगा। और अगर मान लीजिए ये बेईमान बनने की कहानी मेरे जैसे किसी नौजवान के मन में आई तो उसने करप्शन किया, बेईमान हो गया। मान लीजिए यही मेरे पिताजी के दिमाग में आ जाए कि घर की शान तब बढ़ेगी जब मारुति कार आएगी, तो मेरे पिताजी क्या करेंगे, वो कहेंगे लाओ कहीं से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत, क्योंकि मारुति कार के बिना शान नहीं। तो वो एक ईमानदार आदमी बेईमान हो जाएगा। और मान लीजिए यही कहानी मेरी अम्मा के मन में बैठ गई कि घर की शान तब बढ़ेगी जब ओनिडा आएगा, घर की शान तब बढ़ेगी जब बीपीएल की मशीन आएगी, तो मेरी अम्मा तो कहीं नौकरी करती नहीं, मेरी अम्मा तो कोई बिजनेस करती नहीं, वो बेचारी सीधी साधी हाउस वाइफ है, तो जानते हैं वो क्या कहेगी, अब इस लड़के की जब शादी करेंगे तो दहेज मिलेगी। तो एक ईमानदार माँ बेईमान होगी, और उसकी बेईमानी का आप तंत्र देखिए, वो क्या कहेगी, देखिए साहब हमको कुछ नहीं लेना देना, जो देना है अपनी बेटी को दीजिए, और मालूम है कि सब कुछ लेके बेटी उसी के घर में आने वाली। एक बाजू में कहेगी हमको कुछ नहीं लेना देना, दूसरे बाजू में कहेगी बीपीएल की मशीन दे दो, ओनिडा का टेलीविजन दे दो, मारुति की कार दे दो, क्यों दे दो साहब, अरे इस लड़के को इंजीनियर बनाया है, लाखों रुपया खर्च किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो वसूलेंगे कि नहीं वसूलेंगे। और उसके बाद पता चलेगा कि घर में सारा सामान आ गया लेकिन एक टेलीविजन अगर नहीं दे पाया तो आने वाली लड़की को जिंदा जला देंगे हम दहेज के लिए। ये इसी देश में मैंने देखा है, कहीं नहीं देखा, टेलीविजन के लिए एक जीती जागती महिला को हम जिंदा जला दें, इससे ज्यादा संस्कृति की निकृष्टता कोई हो नहीं सकती थी। और तब मुझे आग लग जाती है दिल में कि शायद हमारे समाज में अब किसी जीती जागती बहन से ज्यादा कीमत टेलीविजन की हो गई है। और जब से ये कीमतें लगना शुरू हो गई हैं तब से आप देखिए अखबारों में कोई दिन बाकी नहीं जाता जब दहेज के लिए किसी की हत्या न होती। और अब स्थिति बहुत भयावह हो गई है, अब तो ये पता चल जाए कि गर्भ में पलने वाली बेटी है तो पहले ही एमनियोसिंथेसिस कराओ और साफ कर दो, गर्भ में से बाहर आ जाए, पैदा हो जाए, उसके बाद मारे तो हत्या है।
और गर्भ के अंदर ही मार दें तो अबॉर्शन, ये अजीब कानून है इस देश कि गर्भ से बाहर निकले कोई बच्चा उसकी करे तो हत्या, और गर्भ के अंदर अगर हम मार दें तो अबॉर्शन। और मैं गारंटी से कहता हूँ आपसे, आप इसको देख लीजिए, मैंने मेरे शहर में सर्वे किया, जितने अबॉर्शन के केसेस होते हैं उनमें 99% केसेस बच्चियों के होते हैं, महिलाओं के होते हैं, क्योंकि बच्ची है गर्भ में इसलिए इसको मार दें। उसके नतीजे जानते हैं क्या हो रहे हैं, एक बाजू में दहेज हत्या के लिए मार रहे हैं, दूसरे बाजू में अबॉर्शन के पहले अबॉर्शन कराओ और लड़कियों को खत्म कर दो। धीरे धीरे हिंदुस्तान में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम होती जा रही, और एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदुस्तान में 1000 भाइयों पर 500 बहनों की संख्या रह जाएगी। आप जरा कल्पना करिए कि इस समाज का होगा क्या, कौन सी बास्टर्ड सोसाइटी में हम कन्वर्ट होने जा रहे हैं। और हमने कुछ अजीब परिभाषाएं बनाई हैं, हमने इतिहास में पढ़ा है, हमको किसी ने बताया है कि पुराने जमाने में लड़कियों की हत्या कर देते थे तो हम उनको राक्षस मानते हैं, आज के जमाने में ये जो सफेद सफेद चोगा पहनकर डिग्रियां लेकर जो बच्चियों की हत्या करते हैं उनको हम डॉक्टर कहते हैं, वो राक्षस नहीं है। और अगर यही चलता रहेगा तो आप इस समाज को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, दो निवेदन करने आया हूँ, एक तो ये कि इस देश को जो लूट रहे हैं इससे इस देश को बचाइए, और इस देश की लूट से इस देश को बचाने का काम आप ही करोगे, राजनीतिक पार्टियां नहीं करने वाली हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो देश बेचने में लगे, देश बचेगा कैसे। मैं आपसे छोटे छोटे कुछ निवेदन करने आया हूँ कि आज के बाद आप यहाँ से फैसला करके जाइए कि मेरे घर में पेप्सी या कोका कोला आएगा नहीं, इस देश के लाखों लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता और मेरे घर में मेरे बच्चे पेप्सी और कोका पियेंगे, इससे बड़ा नेशनल क्राइम कोई दूसरा हो नहीं सकता। आप फैसला करिए, आपके घर में कॉलगेट क्लोजअप सिबा का फौरन आएगा नहीं, हमारे देश में जो स्वदेशी नीम का दातुन है, बबूल का दातुन है, वो हम खरीदेंगे, वो करेंगे, देश का पैसा देश के बाहर नहीं जाने देंगे। हमारे घर में लक्स मेरे लाइफ बॉय रेक्सोना आएगा नहीं, क्योंकि ये विदेशी कंपनियों के साबुन, हमारे बच्चे बाटा और एडिडास का जूता पहनेंगे नहीं, गांव का मोची जो जूता बनाता है वही हम पहनेंगे। और मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करने आया हूँ, वोट मांगने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं, मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ कि इस देश को बचाना है तो सबसे पहला काम अपने अपने घर से विदेशी कंपनियों का बहिष्कार कीजिए, इनका माल खरीदना बंद कीजिए। दुश्मन से जब लड़ाई लड़ते हैं तो दुश्मन की सप्लाई लाइन सबसे पहले काटते हैं, ये सप्लाई लाइन हमारे घरों से बने हुई है, हम हमारे घरों में विदेशी कंपनियों का माल खरीदते हैं और पैसा इनको जाता है, वो पैसा देना बंद करिए और इस देश में स्वदेशी लाइए। और स्वदेशी में मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, टाटा बिरला डालमिया स्वदेशी है नहीं, ये भूल कभी मत कीजिएगा, मेरे लिए स्वदेशी है नीम का दातुन, मेरे लिए स्वदेशी है अगर मेरे गांव में कोई साबुन बनता है वो, मेरे लिए स्वदेशी है मेरे गांव में बनता है कोई जूता वो, मेरे लिए स्वदेशी है खादी का कपड़ा बनता है वो, मेरे लिए स्वदेशी की परिभाषा बहुत स्पष्ट है कि जो मेरे सबसे नजदीक बनता है और मेरे भाई को रोजगार देता है वो स्वदेशी है, वो परिभाषा आप तय करिए। तो अपने गांव में जो बनता है, मेरे शहर में जो बनता है वो मैं खरीदूंगा, ये बड़े टाटा बिरला डालमिया भी स्वदेशी नहीं है, क्योंकि ये रोज विदेशी कंपनियों के सामने सरेंडर कर रहे हैं, रोज कोलैबोरेशन कर रहे हैं। टाटा ने अपने आप को बेच दिया हिंदुस्तान लीवर को, पार्ले ने अपने आप को बेच दिया कोका कोला को, जिलेट को बेच दिया ये आपके भारत मल मल्होत्रा प्रोडक्ट्स वालों ने अपने आप को, 30 बड़े घराने मल्टीनेशनल के सामने सरेंडर कर चुके हैं। तो वो कब विदेशी हो जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता, और विदेशी कंपनियों के साथ लूटने में उनको भी कुछ हिस्सा मिले यही उनकी कोशिश चल रही है, तो ये स्वदेशी कभी हो नहीं सकते। स्वदेशी माने सादगी, स्वदेशी माने जो मेरे गांव के नजदीक बनता है, मेरे आदमी को रोजगार देता, स्वदेशी माने जिसका पैसा देश के बाहर नहीं जाता। तो एक तो आप अपने अपने घर से स्वदेशी सामान खरीदने का संकल्प लें, और दूसरा निवेदन मैं आपसे करने आया हूँ कि इस देश को सांस्कृतिक आक्रमण से बचाएं, अपने अपने घर का टेलीविजन बंद करें, ये ताकत आपके हाथ में है, इसके लिए देवेगौड़ा से पूछने की जाने की जरूरत नहीं। हाँ, और इसके लिए आप ये कहो कि राजीव भाई पार्लियामेंट से कोई कानून पारित हो जाएगा उसके बाद हो जाएगा, आपके घर में रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, हिम्मत करिए और ऑफ कर दीजिए, ऑफ करने में कोई ताकत नहीं लगती, मन का संकल्प चाहिए बस। और अगर आप बंद कर देंगे तो आपके बच्चे बंद कर देंगे, नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि आप घर में बैठ के टीवी देखें और बच्चों से आप कहें कि भाई तुम मत देखो, ये नहीं चलने वाला, आप बंद करिए आपके बच्चे बंद कर देंगे। तो ये टीवी बंद हो जाएगा तो आप कहोगे समय बचेगा, और वो समय बचेगा उसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, सामयिक करिए, प्रतिक्रमण करिए, आपको कहने वाले बड़े बड़े गुरुदेव हैं,
समय बचाइए तो कुछ धर्म के काम करिए। और सबसे बड़ा धर्म का काम क्या है, पड़ोसी के घर में जाइए, उसके दुख दर्द पूछिए। हमने पड़ोसी के घर जाना बंद कर दिया, पड़ोसी हमारे घर नहीं आता। एक दूसरे के घर जाने का जो रिश्ता बनाया हुआ था समाज को, जिस पर टिका हुआ था, वो टूट रहा है। और वो पड़ोसी के घर जाना आप तभी शुरू करोगे जब आपके पास समय बचे। तो टीवी बंद करिए, उसमें से समय बचे। और एक आखिरी निवेदन और, अपने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में मत भेजिए। ये जो कॉन्वेंट स्कूल है, जानते हैं यूरोप में किन बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजा जाता है? यूरोप में वर्षों वर्षों एक बड़ी परंपरा रही है, अनाथ बच्चे होते हैं, मम्मी पापा हैं फिर भी बच्चों को छोड़ देते हैं, वहां है। सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों से यूरोप में ये परंपरा है बच्चों को अबेंडन छोड़ने की। अभी कुछ कम हुई है, 14वीं-15वीं शताब्दी तो भयंकर परंपरा है। तो जिन बच्चों के मम्मी पापा का पता नहीं होता है, उन बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल वहां खोले जाते हैं। और हम क्या करते हैं, मम्मी पापा जिनके हैं वो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं। माने अपने मम्मी पापा के रहते हुए अपने बच्चों को क्यों अनाथ बना रहे हैं? हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि बच्चा जब अंग्रेजी सीख जाएगा तो बड़का विद्वान हो जाएगा। दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई दूसरा है नहीं। कोई भी देश ऐसा नहीं है दुनिया में जिसने अंग्रेजी भाषा में सब कुछ करके तरक्की की हो। दो देशों के उदाहरण तो मैं दे सकता हूं जिनको मैंने देखा। फ्रांस, इतना जबरदस्त उस देश ने, यूरोप के शब्दों में कह रहा हूं, मैं मेरे शब्दों में नहीं कहता, हालांकि मैं मानता नहीं कि उन्होंने कोई तरक्की और विकास किया, लेकिन अगर यूरोप के शब्दों में संदर्भों में देखें तो फ्रांस ने बहुत तरक्की की है, बहुत विकास किया। पूरे फ्रांस में अंग्रेजी में पढ़ाते नहीं बच्चों, फ्रेंच में ही पढ़ाते। जापान में जाइए, छोटे बचपन से लेकर और हायर एजुकेशन तक सब जापानीज में पढ़ाया जाता है। जर्मनी में जाइए, बचपन से मातृभाषा जर्मन है। इटली में जाइए, मातृभाषा इटालियन। हॉलैंड में जाइए, मातृभाषा डच है। किसी भी देश में जाइए, लैटिन अमेरिका के देशों में जाइए, वहां भी अंग्रेजी नहीं है मातृभाषा में। दुनिया में अंग्रेजी नाम की मातृभाषा तो कुछ जमा 4-5 या 6 या बहुत तो हो तो 10 देशों में, इससे ज्यादा है नहीं। और जिन देशों में अंग्रेजी वाली भाषा है उनकी कोई तरक्की हो नहीं रही है। अमरीका की यूनिवर्सिटीज में जितने टॉपर्स निकल रहे हैं पिछले 10 साल से, वो सब नॉन अंग्रेजी वाले हैं, ये ध्यान रखिए। पिछले 10 सालों में अमरीका की यूनिवर्सिटी में जितने टॉपर्स पैदा हुए हैं कोई भी अंग्रेजी वाला नहीं। और दूसरे देशों में भी यही हालत। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारे मन में कि अंग्रेजी सीख जाएगा बच्चा तो उसकी कुछ तरक्की हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने बिना अंग्रेजी के बहुत आगे गए हैं और बहुत तरक्की की है, जापान, फ्रांस या जर्मनी, ऐसे तमाम उदाहरण। तो ये गलतफहमी आप अपने मन से निकाल दीजिए कि अंग्रेजी ही पढ़ेगा तो हमारे बच्चे का विकास होगा। बच्चे का सबसे अच्छा विकास तब होता है जब वो मातृभाषा में पढ़ता। अगर गुजराती आपकी मातृभाषा है तो गुजराती में पढ़ाइए, मराठी मातृभाषा है तो मराठी में पढ़ाइए, अंग्रेजी में तो बिल्कुल नहीं। और ये अंग्रेजी में पढ़ाने का सिस्टम मैकॉले ने इस देश में शुरू किया वो गुलाम बनाने के लिए था। तो हम आजादी के बाद अपने बच्चों को जानबूझकर गुलाम बनाने के लिए और मम्मी पापा के रहते हुए जानबूझकर अनाथ बनाने के लिए, बराबर याद रखिए, कॉन्वेंट स्कूल माने अनाथ बच्चों का स्कूल। यूरोप में कॉन्वेंट स्कूल वही होते हैं जहां अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। तो अनाथ बच्चे नहीं है हमारे, मम्मी पापा के बच्चे हैं, इसलिए आप अपने बच्चों को मत भेजिए। उससे ये जो अंग्रेजियत की संस्कृति आ रही है बच्चों में ये बंद हो जाएगी। इस अंग्रेजियत की संस्कृति से नफरत है, अंग्रेजों से शायद उतनी नफरत हमको नहीं हो सकती जितनी अंग्रेजियत से है। और वो अंग्रेजियत से इतनी नफरत है कि सारी दुनिया का नाश करने वाली है वो संस्कृति, राक्षसी संस्कृति है, उसमें कुछ मानवीयता के तत्व है नहीं, इंसानियत के तत्व है नहीं। तो 2-3 बातें मैंने कही है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, घर घर में स्वदेशी, अपने अपने बच्चों को मातृभाषा के स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी के चक्कर से बाहर निकालिए, आपका बच्चा ज्यादा बुद्धिमान बनेगा, ज्यादा तर्कशाली बनेगा, ज्यादा विवेकशील बनेगा अगर मातृभाषा। और अपने अपने घर से टेलीविजन की ये जो दुष्चक्र है उसमें से आप बाहर निकलिए, बच्चों को बाहर निकालिए, इस देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। आप ये पूछ सकते हो कि राजीव भाई, आपने ना तो वोट मांगा और ना आपने नोट मांगा। ना मैं आपसे वोट मांगने आया ना नोट मांगने आया, मौसम तो वोट का है और नोट का है। कल चुनाव होने जा रहा है फिर भी मैं ये बातें नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग आते होंगे आपके बीच में, बड़े अच्छे भाषण करते होंगे, अंत में कहते होंगे मोहर लगा दीजिएगा हमारे इस निशान पर। तो मैं वो कहने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं। फिर मैं आपसे कुछ मांगने आया, मुझे आपका समय दान चाहिए, आपके जीवन का कुछ समय चाहिए, ना वोट चाहिए ना नोट चाहिए, आपके जीवन का समय चाहिए। तो आप क्या करें, एक दिन में 24 घंटे का समय है आपके पास,
इस 24 घंटे में से 23 घंटे आप अपने व्यापार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रखिए, एक घंटा देश को दीजिए। आपके एक घंटे की इस देश को बहुत जरूरत है। आप इस एक घंटे में क्या करें, एक छोटी सी बात कहकर खत्म करूंगा। 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ था, 300 अंग्रेज सिपाहियों को लेकर रॉबर्ट क्लाइव आया और 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों पर विजय हासिल की। युद्ध जीतने के बाद जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने जुलूस निकाला और उसके लिए उसने लिखा है अपनी डायरी में। उस डायरी के दो पन्ने मेरे पास है और जब जब मैं पढ़ता हूँ मेरे दिल में आग लग जाती। क्लाइव ने लिखा अपनी डायरी में कि मैंने जब प्लासी का युद्ध जीत लिया तो 300 अंग्रेज सिपाहियों के साथ मैंने एक विजय जुलूस निकाला कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तक का। तो उस विजय जुलूस में क्या होता था, क्लाइव घोड़े पर बैठकर आगे आगे चलता था, उसके पीछे 300 सिपाही चलते थे। और उसने डायरी में लिखा है कि मेरे 300 सिपाहियों का जुलूस देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानी खड़े होते थे। और उसने आखिरी वाक्य लिखा है कि जो सड़कों के दोनों किनारे खड़े होकर मेरा जुलूस देखते थे और तालियां बजाते थे, अगर उनमें से एक एक हिंदुस्तानी ने एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा के मारा होता तो देश का इतिहास बदल जाता। ये बात मेरे दिल में आग की तरह से लगी रहती है कि वो 300 लोग थे, हम करोड़ों की संख्या में थे, उनका जुलूस देखते रहे, तालियां पीटते रहे, हमने एक पत्थर उठा के नहीं मारा। आज भी वही हो रहा है। और मैं इसी के लिए आपसे कहने आया हूं कि प्रतिदिन कम से कम एक घंटा निकालिए और हिम्मत करके एक पत्थर का टुकड़ा तो मारिए। वो गलती तो मत कीजिए जो हमारे पुरखों ने की। तो आप कहोगे घर में या अपने दोस्त के घर में कहोगे, और अगर वो इतना भी कर देगा कि आपकी बात को सुनकर वो पेप्सी या कोका कोला पीना बंद कर देगा या कॉलगेट खरीदना बंद कर देगा, तो मेरा आना सार्थक। एक दो जरूरी सवाल है जिनका जवाब देना मुझे लगता है कि देना चाहिए। एक भाई ने सवाल किया है कि ये सब चैनल के सामने अपन कुछ नहीं बोल सकते क्या, टेलीविजन के चैनल के बारे में। हम बराबर बोल सकते हैं और बोलना चाहिए और हम बोल भी रहे हैं। मैं आपको मेरी जानकारी दूं, इस समय मैं एक केस लड़ रहा हूं सारे विदेशी टेलीविजन चैनल और दूरदर्शन के खिलाफ। पहले ये केस मैंने किया था प्रेम कुमार की अदालत में दिल्ली में, और प्रेम कुमार जी ने 3 जुलाई 1996 को फैसला सुनाया हमारे पक्ष में। और प्रेम कुमार जी का ये फैसला है कि सारे विदेशी चैनल बंद कर देने चाहिए, और उसके ऊपर ये जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन के बारे में प्रेम कुमार जी का ये कहना है कि दूरदर्शन पर चित्रहार जैसे कोई भी कार्यक्रम नहीं आने चाहिए जिसमें सेक्स की वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी इतनी दिखाई जाती है। तो हमको ऐसा लगता था कि जैसे ही ये फैसला आएगा सारे देश में लागू हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये विदेशी टेलीविजन कंपनी चलाने वालों की लॉबी बहुत मजबूत है। उनमें रूपर्ट मर्डोक है, स्टार टीवी का मालिक है, उनमें जी टीवी का मालिक है, उसमें एटीएन वाले हैं, ये अमिताभ बच्चन है। तो इन्होंने सबने क्या किया कि जैसे ही प्रेम कुमार की अदालत में हम ये केस जीते, ये सब लोग हमारे खिलाफ एक साथ मिलकर हाई कोर्ट में चले गए, और हाई कोर्ट में अभी वो केस चल रहा। हाई कोर्ट में मुझे दूसरा आश्चर्य तब हुआ कि ये सारे क्रुकेड लोगों के साथ भारत सरकार भी हमारे खिलाफ खड़ी। और आप ये जान लीजिए कि इन विदेशी टेलीविजन कंपनियों की तरफ से वकील के रूप में कौन कौन है। आपको मैं नाम बनाऊं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील सोनी सोराब जी, वो विदेशी कंपनियों की तरफ से हमारे खिलाफ केस लड़ रहा हाई कोर्ट में दिल्ली, और सोनी सोराब जी के साथ टीएन लेखी, सारे दिग्गज वकील ये सब विदेशी कंपनियों की तरफ से लड़ रहे हैं, और हमारे पास दुर्भाग्य से कोई वकील नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है। हम आपको सच बता दें, और हमारा केस हम खुद लड़ रहे हैं। लोअर कोर्ट में भी मैंने ही बहस की थी, प्रेम कुमार जी के यहाँ हमारे दोस्तों ने बहस की थी, कभी मैं जाता था कभी मेरे दोस्त जाते थे, और हाई कोर्ट में भी ऐसा ही चल रहा है, कभी मैं जाता हूँ कभी मेरे दोस्त जाते। उसके बावजूद अब तक जितनी सुनवाई हुई है, इतने सारे दिग्गज वकीलों के उनके पाले में होने के बावजूद हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आने वाला है, क्योंकि जो तर्क हमने दिए हैं वहां कोर्ट में, उन तर्कों का जवाब ना तो सोली सोराब जी दे पाए हैं, ना दीपांकर भट्टाचार्य दे पाए हैं, ना ये पीएन लेखी। मानता हूं रावण चाहे जितना शक्तिशाली हो, चाहे जितने राक्षस हो, सत्य की विजय होती है, ऐसा मुझे लगता।
तो हाई कोर्ट में हम ये केस चला रहे हैं, लड़ रहे हैं। अगर हाई कोर्ट में फैसला हमारे पक्ष में आया तो हमारी कोशिश ये होगी कि वो कानून बनके पार्लियामेंट से लागू हो। इस बीच में अगर वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की तैयारी है हमारी, और इस केस को हम छोड़ने वाले नहीं है। इसमें एक दूसरा काम हमने और शुरू किया है इसी बीच में कि ये जो केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं जो चलाते हैं वो हमारे ही अपने भाई हैं। स्टार टीवी विदेशी कंपनी, लेकिन स्टार टीवी का चैनल चलाने वाले अपने ही भाई हैं। तो अभी बम्बई दिल्ली में मैंने एक सम्मेलन किया था, केबल टीवी ऑपरेटर्स का एसोसिएशन है उनका मैंने सम्मेलन किया था, और उन भाइयों को मैंने गुड सेंस में अपील की थी कि भाई तुम्हारे भी बच्चे हैं, मेरे भी छोटे भाई बहन हैं, हम सबके घर अगर बर्बाद हो रहे हैं आपके इस धंधे से तो आप क्यों ना ऐसा फैसला करें कि हम ये धंधा छोड़ दें। तो उनमें आपको मैं खुशी की बात बताऊं कि 60% से ज्यादा केबल टीवी ऑपरेटर्स कहते हैं कि राजीव भाई जिस दिन हमको लगेगा कि आप लड़ाई हार गए हाईकोर्ट में उस दिन हम ये धंधा छोड़ देंगे। तो उनकी तरफ से हम भी आश्वासन है, और उन्होंने ही हमको कहा कि बम्बई का केबल टीवी ऑपरेटर्स का जो एसोसिएशन है उसकी भी जल्दी आपकी एक मीटिंग हम करवाएंगे और उनके साथ भी हम ये बात करने वाले हैं, डायलॉग करने वाले हैं। तो उन भाइयों को अगर हम हमारे साथ कन्विंस करा सके तो इन विदेशी कंपनियों की हम जड़ खोद देंगे, इतना हमको मालूम। तो ये लड़ाई में हम सारे चैनलों के खिलाफ लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, इसमें आपकी मदद चाहिए। आप क्या मदद कर सकते हैं? हरी भाई अखबार के एडिटर हैं, आप अगर सब लोग तय करें तो कम से कम 500,000 लेटर्स टू एडिटर लिख सकते हैं, संपादक के नाम जो चिट्ठी जाती है उसमें। ये विदेशी टेलीविजन का मामला ले लीजिए, कभी कभी कोई खबर ऐसी बन सके तो हरी भाई जैसे लोगों की मदद से अखबारों में छपवाइए टीवी के खिलाफ। तो उससे क्या होता है कि जो जज बैठा है फैसला देने वाला वो भी अखबार पढ़ता और अखबारों की खबर से वो प्रभावित होता। तो अगर जगह जगह ऐसा कुछ होना शुरू हो जाए तो जज के दिमाग में ये सब बातें बैठेंगी जब वो फैसला सुनाएगा। तो हम में से हर एक व्यक्ति ये कर सकता है, जितने अखबारों में आप लेटर्स टू एडिटर लिख सके लेटर्स टू एडिटर लिखिए, जितने अखबारों में न्यूज आइटम के रूप में ये खबर छप सके वो खबर के रूप में छपाइए, या और तरीके आप उसके ढूंढिए वो आप कर सकते हैं, और ये आपकी हमारे लिए बड़ी मदद होगी। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं इस लड़ाई में आप हमें सहभाग दें, वो एक ही तरीका है कि आप टीवी बंद रखें। तो आप जो है इस लड़ाई में हमारी बड़ी मदद। वस्त्र अगर हम धारण करें तो नतीजे जानते हैं क्या? हिंदुस्तान में जितना कपड़ा बिकता है उस कपड़े में सिर्फ 1% कपड़ा कॉटन का बिकता है, खादी का 1%, 1% 99% कपड़ा सिंथेटिक बिकता है, इम्पोर्टेड यार्न का बिकता है। 1% खादी बिकता है तो हिंदुस्तान के 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। मैं सपना देखता हूं कि अगर 100% खादी बिकना शुरू हो जाए तो 1500 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। माने हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि कुल बेरोजगारी 12 करोड़ की है, 15 करोड़ लोगों को रोजगार तो हम दे सकते हैं अगर हम खादी पहनना शुरू कर दें। तो इसलिए भी खादी पहनिए कि 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, और इसलिए भी खादी पहनिए कि सबसे ज्यादा अहिंसक पद्धति से बनने वाला कपड़ा है वो, गांव गांव के लोगों को रोजगार ही नहीं देता, पूरे अहिंसक पद्धति से बनता है, क्योंकि कपास उत्पादन उसके बाद सूत बनाना उससे कपड़ा बनाना एकदम अहिंसक पद्धति है, और जितने ये टेरालीन टेरिकॉट सिंथेटिक कपड़े सब हिंसक पद्धति से बनते। तो हमारी संस्कृति बचे, 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिले, और मैं उसके भी आगे कहता हूं कि खादी के साथ साथ अगर ग्रामोद्योगी सामान खरीदना हम शुरू कर दें तो और 15 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है, 30 करोड़ लोगों को रोजगार देने की क्षमता है खादी और ग्रामोद्योग। तो आप अपने घर घर में खादी पहने, अगर आप 100% खादी पहने मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन कोई ये भी कह सकते हैं कि एकदम ये नहीं हो सकता, तो आप कम से कम 1 कपड़ा खादी का खरीदिए। अगर आप 1 कपड़ा भी खादी का पहनेंगे तो 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम खादी इसलिए नहीं पहन रहे हैं, खादी इसलिए पहन रहे हैं कि देश के लाखों करोड़ों को रोजगार दे रहे हैं, और ये रोजगार देने की क्षमता यहीं पर है और कहीं दूसरी जगह है नहीं। तो दूसरा सवाल है, एक भाई ने कहा है कि आज के लालची नेताओं से आजाद होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैंने अपने भाषण के अंत में प्रतीक रूप में यही कहा था कि आज के लालची नेताओं से बचने के लिए हमको कुछ नहीं, एक एक पत्थर का टुकड़ा उठाइए और मारना शुरू कर दीजिए। वही एक तरीका है इन आज के लालची नेताओं से बचने का।
और एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा के मारने की बात जब मैं करता हूँ तो उसका गहरा मतलब है, उसका मतलब ये है कि इन नेताओं को फूल मालाएं हम ही डालते हैं, इन नेताओं के लिए जय जयकार हम ही करते हैं, इन नेताओं के लिए चंदा जुटाने का काम हम ही करते हैं, इन नेताओं को वोट डालने का काम हम ही करते हैं, ये सारे काम आप बंद कर दीजिए, ये ऊपर आकाश से जमीन पे औंधे मुंह आ जाएंगे, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। ये छोटा सा उदाहरण है जो अभी ताजा ताजा। ऐसा ही एक बार और भी हुआ था, कारगिल एक कंपनी नमक बनाने के लिए आई गुजरात, और हमको पता चला तो कुछ गांधीवादी लोगों ने आंदोलन किया उसके खिलाफ। मैं भी पहुंच गया, मुझे कोई जानता नहीं था गुजरात में, मैं गुजरात में किसी को नहीं जानता, लेकिन पहुंच गया, पता चला कि कारगिल के खिलाफ आंदोलन। तो वहां पहुंचा तो लोगों से मैंने पूछा कि क्या करने वाले हैं, कि आंदोलन करेंगे इस कंपनी को भगाना। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा नाम भी लिख लीजिए। अब हम निकले वहां से अहमदाबाद से, तो गांधी धाम पहुंचे जहां पे कारगिल का वो बनने वाला था। तो मैंने पता किया कि वो कारगिल आ कहां रहा है, कंडला बंदरगाह है गांधी धाम के पास। तो कंडला बंदरगाह के सामने एक वेट है, द्वीप है, सब साइडा वेट, और वो करीब 70,000 हेक्टेयर का। तो चिमन भाई पटेल की सरकार ने वो पूरा का पूरा द्वीप कारगिल कंपनी को दे दिया, और पता है किस भाव में दिया, 15 पैसे स्क्वायर फुट। हमने पता किया कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो खोजते इस नतीजे पे पहुंचे कि चिमन भाई पटेल का एक लड़का है, उस लड़के ने कारगिल कंपनी से ज्वाइंट वेंचर किया है, और इसलिए 15 पैसे स्क्वायर फिट में उन्होंने जमीन दे दी, और वो जमीन पर कारगिल कंपनी का कारखाना लगेगा। फिर कारगिल कंपनी क्या है इसके बारे में पता किया, तो पता चला कि वो अमरीका की सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो कानून होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि आप अगर जानना चाहो कि ये कंपनी क्या करती है, तो वो कंपनी अगर नहीं चाहे तो बताएगी नहीं, आप पूछ नहीं सकते कि हम क्या करें। तो मैंने कहा कि भैया ये सत्ताईडा वेट के कारगिल वाले क्यों आ रहे हैं, बहुत दिन दिमाग घुमाते रहे। एक दिन उसका जवाब मिला कि सत्ताईडा वेट पर ही क्यों आ रहे हैं, गुजरात में और कहीं जगह क्यों नहीं जा रहे, मुंद्रा है, मांडवी है, कच्छ में किसी और गांव में जा सकते हैं, सांतलपुर वगैरह है जहां नमक बनता है, लेकिन वहां नहीं जा रहे, वहीं पे आ रहे। जवाब मिला कि सत्ताईडा वेट से पाकिस्तान का कराची 100 नॉटिकल माइल पे है बस। और उस दिन दिमाग में सारा पिक्चर साफ हो गया कि ये क्यों आ रहे हैं कच्छ में, ये इसलिए आ रहे हैं कि अब गुजरात को कश्मीर बनाना, और अमरीका के रिश्ते पाकिस्तान से कितने अच्छे हैं ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ये अमरीका रोज पाकिस्तान को हथियार देता, तो कारगिल कंपनी जब वहां आ जाएगी उनका अड्डा बन जाएगा, और उस अड्डे के माध्यम से वो पाकिस्तान से रिश्ते शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का कराची वहां से 100 नॉटिकल माइल पर है, तो उनके लिए पाकिस्तान आना जाना बिल्कुल मुश्किल का काम नहीं रहेगा, और उसके अंदर क्या हो रहा है कंपनी में हम पता नहीं कर सकेंगे। तो मुझे समझ में आ गया कि ये कच्छ को एक दूसरा कश्मीर बनाने की सारी साजिश है, और फिर देखना शुरू किया तो हिंदुस्तान को घेर रहे, नॉर्थ ईस्ट में चीन बैठा, नीचे श्रीलंका में आग लगी हुई, उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा नीचे जाइए वहां भी आग लगना शुरू हो गई, कश्मीर और पंजाब में आग लगी ही रहती, अलग कश्मीर चाहिए अलग पंजाब चाहिए ये बात कहने वाले ही बहुत हैं। तो उसके बाद अब बचा हुआ एक हिस्सा है पश्चिम भारत, जो थोड़ा शांत है, अब उस पश्चिम भारत में गुजरात के छाती पे बैठ जाएंगे तो पश्चिम भारत को भी अशांत बनाएंगे। तो ये बात जब मुझे समझ में आई तो मैंने तय किया कि अब मैं कहीं जाऊंगा नहीं, यहीं रहूंगा कच्छी, गुजराती मुझे आती नहीं, कच्छी को बिल्कुल समझ में नहीं आती, फिर भी जाता था, स्कूलों में जाता था, कॉलेजों में जाता था, कहीं कोई परिचय नहीं होता था, प्रिंसिपल के पास जाता था, कहता था कि मेरा नाम ये है, मैं आया हूँ, मुझे आपके विद्यार्थियों से कुछ बात कहनी है। तो कहता था क्या बात कहनी, मैं उसको कहता था कि यहाँ एक विदेशी कंपनी आ रही और तुम्हारी छाती को बंदूक चलाएगी, वो बताने आया तो कोई भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं मिला जिसने मना किया, उसने कहा राजीव भाई बताइए समझाइए। ये बात बराबर है कि हमारा बजट हमको ही बनाना चाहिए, लेकिन मैंने बताया कि इस देश के नेताओं ने सारा देश भेज दिया, IMF वर्ल्ड बैंक के अधिकारी इस देश में अब बजट बनाते, हमारे देश के लोग तो सिर्फ माने मजबूरी के लिए उनके साथ बैठते हैं। आपको मैं ये जानकारी दे दूं, चिदंबरम बजट नहीं बना रहा, इस समय 6 IMF के अधिकारी साउथ ब्लॉक में बैठे हुए हैं, वो रात दिन बजट बना रहे हैं। तो हमको हमारा बजट बनाना ही चाहिए, विदेशी लोग बजट बना है ये इस देश के लिए सबसे ज्यादा अपमान की बात है। अब ये है कौन यहाँ होगा, ये तो अब ऐसा हो, चिदम्बरम जैसे लोग, मनमोहन सिंह जैसे लोग अगर वित्त मंत्री होंगे तो ये तो होने ही वाला है।
अब जरूरत एक है, मैं आपको बताऊं सच में, हाँ ऑफिशियली भी डिक्लेयर किया शायद आज के एक दो अखबारों में, मुझे लगता है कि इसके लिए एक ही तरीका है, ध्यान रखिए चिदम्बरम कभी ना कभी बंबई आएगा, हाँ कभी ना कभी तो आएगा बंबई, तो जिस दिन चिदम्बरम बंबई आए उस दिन आप हिम्मत करिए मैं आपके साथ चलूंगा, मैं अपने सारे काम छोड़कर आऊंगा और हम उसको एयरपोर्ट से बंबई शहर में घुसने नहीं देंगे। चिदम्बरम आएगा तो चिदम्बरम के साथ ये होगा और मनमोहन सिंह आएगा तो उसके साथ भी यही होगा और उनको ये बता दिया जाएगा कि तुम हो कौन, तुम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के एजेंट लोग हो, तुमको इस पवित्र धरती पर हम कदम नहीं रखने देंगे, ये हम कर सकते हैं और ये जनता की ताकत है। बंबई में जिस दिन आपको लगे कि चिदम्बरम आ रहा है आप राजीव दीक्षित को एक फोन कर दीजिए, मैं जहां भी रहूंगा आऊंगा, आपका साथ अगर मुझे मिले तो इस चिदम्बरम क्या चिदम्बरम के बाप को सबक सिखा सकते, कुछ नहीं है ये पानी के बुलबुले हैं, आज है कल नीचे आ जाएंगे, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई ताकत नहीं है, तभी तक हैसियत और ताकत है जब तक वो आपको बेवकूफ बना ले, जिस दिन आप बेवकूफ बनना बंद हो जाएंगे उस दिन सारे चिदम्बरम ठीक हो जाएंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। एक वक्त एक ही बात, एक वक्त लालू प्रसाद यादव जयरे बॉम्बे ने एयरपोर्ट ऊपर उतरी गया था क्यारे जे हरी भाई के जैनों तो अहिंसक है पर जैनों की अहिंसा के लिए हरी मारे एमने थोड़ा समय मिले तो शांति भी एकाद बे कलाक में समझाव्यू है कि मात्र 12 कलाकना गाड़ा में 30,000 माणसों सांताक्रूज एयरपोर्ट पर आ जैनों क्या पहुंची गया था ने लालू प्रसाद ने उभी पुतरी भागी जवु पड़ू थू 80% का जैनों की अंदर पड़ी है, आप एक वक्त ऐलान करो शू नहीं भागी जुड़े आप। तो ये चिदम्बरम के साथ भी हो सकता है, अगर लालू के साथ हो सकता है तो सबके साथ हो सकता है और मैं आश्वस्त हूं कि ऐसा हो जाए। एक भाई ने पूछा है कि भारत में सब काम अंग्रेजी में ही क्यों कराते हैं और उसके नीचे फिर उन्होंने उदाहरण के लिए लिखा है कि कंप्यूटर वगैरह की ये भाषा जो है वो अंग्रेजी वाली को। मैं आपसे कहता हूं कि ये अंग्रेजी में काम करना इस देश में ऐसा माना गया है कि शान की बात है, ये गुलामी की बात है, इसमें कोई शान नहीं है। उन्होंने हमारे ऊपर 250-300 वर्ष राज किया उन्हीं की भाषा को लेकर, हम ये शान की बात है ये दिमाग से निकालना और ये दिमाग से निकालने का काम हर क्षण चलना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं छोटे छोटे, आप जब दस्तखत बनाते हो तो आपके मन में ये लड़ाई चलनी चाहिए कि मैं अंग्रेजी में बनाऊं हिंदी में बनाऊं या गुजराती में बनाऊं, ये संघर्ष आपके मन में जब तक नहीं चलेगा तब तक अंग्रेजी जाएगी नहीं। ऐसे ही आप अपने बच्चों के नाम रखते हो तो डिंपी पिंपल, ये डिंपी पिंपल क्या होता है, बॉबी टिंकल, ये सब जो है भाईयात बेवकूफी के नाम। तो आपके मन में ये संघर्ष बराबर चलना चाहिए कि मैं मेरे बच्चों के ऐसे बेहूदे अंग्रेजी वाले नाम नहीं रखूंगा, स्वदेशी भारतीय भाषा के गुजराती भाषा के हिंदी भाषा के नाम रखूंगा। तो ये लड़ाई हर व्यक्ति की है, जब भी आपका हाथ दस्तखत करने के लिए बढ़े तो अपने आप से पूछिए कि आप अंग्रेजी में दस्तखत करने जा रहे हो या हिंदी में या गुजराती में। अगर आप अंग्रेजी में करने जा रहे हो तो अपने आप को रोकिए और कहिए कि नहीं, मैं प्रयास पूर्वक हिंदी में या गुजराती में ही दस्तखत करूंगा। ये लड़ाई जिस दिन आपके घर से शुरू हो जाएगी आप इस देश में अंग्रेजी को विदा कर देंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। हाँ तो ऐसे ही हम सब अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पे करें, ये अंग्रेजी वैसे ही जाएगी। मैं इसके लिए एक ही वाक्य इस्तेमाल करता हूं कि जैसे अंग्रेजों को मार मार के पीट पीट के भगाया वैसे ही अंग्रेजी को मार मार के पीट पीट के भगाना पड़ेगा, नहीं तो ये जाने वाली नहीं। इसके लिए हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर जहां तक संभव हो, जैसे उदाहरण में दूं, अंग्रेजी अखबार खरीदना बंद कर दीजिए और इनको सबक सिखा दीजिए। और ये अंग्रेजी अखबार करते क्या, आप देखिए मैं नाम लेके कह रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया किसका है, अशोक जैन का, क्या करता है रोज टाइम्स ऑफ इंडिया में किसी न किसी लड़की की आधे नंगी या पूरी नंगी तस्वीर आती रोज टाइम्स ऑफ इंडिया। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया वो अखबार है जिसने हिंदुस्तान की संस्कृति का कबाड़ा कर दिया, जानते हैं यही टाइम्स ऑफ इंडिया है जिसने भारत सुंदरी, मिस इंडिया, मिस सेमिना ये सारी प्रतियोगिताएं शुरू की, यही टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, सेमिना उन्हीं की पत्रिका। तो सेमिना के माध्यम से उन्होंने मिस सेमिना मिस इंडिया चालू किया, अब वो मिस इंडिया मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स हो गया है और वो सारे उसी धंधे में लगे हुए, और इनके पास कोई धंधा नहीं है। रोज का टाइम्स ऑफ इंडिया आप उठाकर देखिए तो कभी पहले पेज पर आपको इतनी बड़ी फोटो मिलेगी, कभी दूसरे पेज पर, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं, ना उसकी कोई खबर है, ना खबर से उसका लेना देना, जबरदस्ती आधे नंगी लड़कियों की तस्वीर पेश करना यही उनकी पत्रकारिता हो गई। हाँ तो जो भी ऐसे अखबार
मैं तो सबके लिए कहता हूं कि इन अखबार वालों को कौन कंट्रोल करेगा, ये कोई भगवान के दूत नहीं है। ये मत मान लीजिए कि अखबार वाले कोई भगवान के दूत है। करप्शन मीडिया में भी है, पॉलिटिक्स में ही करप्शन नहीं है, इकोनॉमी में ही करप्शन, करप्शन मीडिया में भी है। तो कम से कम ऐसे अखबार आप खरीदना बंद कर दो। तो सबसे पहले आप अगर कर सको तो टाइम्स ऑफ इंडिया का बहिष्कार। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस दिन बंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया की 50,000 प्रतियां कम बिकना शुरू हो जाएंगी, अशोक जैन फिर शासन करना शुरू कर देंगे और जो आप कहोगे वो फिर अशोक जैन मानेंगे। तो इनको सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि जिस जिसके घर में टाइम्स ऑफ इंडिया आता हो वो टाइम्स ऑफ इंडिया बंद करे और बाकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को चिट्ठी लिखे कि हम आपका अखबार बंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ये सब नग्नता फैला रहे। एक तो अंग्रेज ने फैला रहे, ऊपर से ये नग्नता और अश्लीलता फैला। हमारी बहनों को बेटियों को उल्टा सीधा फोटो छाप छाप के आपने जो है कबाड़ा कर दिया हमारे घर का। तो ये कहके आप टाइम्स ऑफ इंडिया बंद करिए, इनकी दो मिनट में इनको नानी याद आ जाएगी। जिस दिन 50,000 प्रतियां कम हुई दिखना, उसी दिन आप देखिएगा अशोक जैन सिर के बल चल के यहां आ जाएंगे। जिस दिन उनको जब तक ये नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई खतरा है तब तक। और अगर संभव हो तो आपका कांदीवली का जैन समाज, मैं तो एक कदम आगे जाके कह रहा हूं कि कल या हफ्ते भर बाद या संभव हो तो होली के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की होली जला दीजिए आप। और इस बात को बाकायदा अखबार में कहिए कि हम टाइम्स ऑफ इंडिया की होली जला रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया एक तो अंग्रेजियत फैला रहा, दूसरा अंग्रेजियत से ज्यादा खतरनाक अश्लीलता और नग्नता फैला। तो अगर ये काम आप कर दोगे तो ये सारे देश के लिए खबर बन जाएगी। अगर मीडिया दूसरा दिन है, सभी लोगों ने लेकर लिखा है लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया, तो उनका कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। अगर आपकी बात वो नहीं सुनते हैं तो आपको असहकार और असहयोग करने का पूरा हक है। आप एक दिन 5-7 हजार कॉपियां लेके यहां कहीं जला दीजिए मिड डे, और मिड डे वालों को सबक सीखने आ जाएगा। जिस दिन दूसरे अखबारों में ये खबर छप जाएगी कि मिड डे की होली जलाई कांदीवली के जैन समाज ने, क्यों जलाई? वो करने का है, लेकिन आप आओ, बिंदास करने का। बिल्कुल, मैं इस काम में आपके साथ। जिस दिन आप ऐसे अखबारों की होली जलाएंगे मैं आपके साथ बराबर इस काम खड़ा रहूंगा। तो आप जिस दिन मुझे बुलाएंगे कि राजीव भाई आज होली करनी है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं मैं सारे काम छोड़कर आऊंगा। क्योंकि ऐसे काम करना इस समय बहुत जरूरी है, इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अरे हाँ, मात्र दवा रोग नु तो नाम आप सामने औषध पर हरिभाई साथ जाते कि ते आवतीकाल 800 शब्दों बधा ज विषय पर रोज 1 वाग्या सुधी में मैंने फेक्स मोकलो। हूँ गेरंटी आपू छू कि आवतीकाल समकालीन अंदर एट परम दिवस समकालीन थी रोज रोज तब जो लखाण 800 शब्दों सुधी मोकलशु ये अपने अमित समकालीन में लीधा वगैरह रहू नहीं। हम छापा वाँचवा आपने आदत पड़ी गई है, मिड डे गुजराती ने टाइम्स ने बंद करशू तो वाँचू छू, समकालीन में रोज नवा नवा आ विषय वाँचू। एट बधाने हम विनंती करूँ छू कि बधा समकालीन लेवाने चालू करी। एक भाई ने सवाल किया है कि इस देश को राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री मिलता है लेकिन राजीव दीक्षित जैसा बड़ा प्रधान नहीं मिलता। इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। जिस भाई ने भी पूछा है ये पर्सनल सवाल है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जवाब दे दूंगा। नहीं नहीं, आप जब भी पीएम बनेंगे तभी हम भी बोलेंगे कि इनका लेक्चर तो हमने गांधीवली में सुना था भाई। ऐसा संभव नहीं है, मैं आपको बता दूं, इस खुशफहमी में आप मत रहिए। राजीव दीक्षित जो विदेशी कंपनी में पीछे डंडा लेके घूमता है वो पीएम नहीं बन सकता, क्योंकि विदेशी कंपनी वाले जानते कि ये आदमी अगर 24 घंटे के लिए भी पीएम बन गया तो कुछ करे या न करे लेकिन सारे मल्टीनेशनल को हिंदुस्तान से विदा कर देगा। इसलिए वो लोग अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और मुझे मालूम है कि ऐसे लोगों को वो टिकने नहीं देते। ये राजीव दीक्षित का सवाल नहीं है, कोई भी XYZ हो। इसलिए इस खुशफहमी में आप मत रहिए। हाँ, इस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो और उसमें मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई वादा नहीं है, मुझे लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक है। प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा बेहतर है कि इस देश में किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए मैं मर जाऊं, ये मेरे दिल की अपनी तमन्ना। एक पहला सवाल जो पूछा है उससे कि यूनियन कार्बाइड वाली जो दुर्घटना हुई थी उसका सच क्या? यूनियन कार्बाइड वाली दुर्घटना के बारे में सारे देश को ये बताया गया है कि ये अचानक से भोपाल में उनके कारखाने से गैस रिस गई, मिथाइल आइसोसाइनेट, और लोग मर गए। लेकिन उस यूनियन कार्बाइड के काम में बहुत गहरे में उतरा और इस कंपनी के बारे में बहुत केस स्टडी का काम मैंने किया मेरे विद्यार्थी जीवन में। और सच ये है
कि भोपाल के कारखाने में 3 दिसंबर 1984 की रात को जो जहरीली गैस निकली थी वो अपने आप नहीं निकली थी, वो बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया गया। भोपाल दुर्घटना एक्सीडेंट नहीं था, वो एक एक्सपेरिमेंट था। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? यूनियन कार्बाइड अमेरिका की कंपनी है और दुनिया में ऐसे अमीर देशों की ढेरों कंपनियां हैं जो हथियार बनाती हैं। आपके देश में ये कंपनियां आती हैं, साबुन बेचती हैं, मंजन बेचती हैं, जूते चप्पल बेचती हैं, लेकिन ये कंपनियां अपने अपने देशों में बहुत ज्यादा हथियार बनाती हैं। और अमेरिका जैसे देश की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा हथियार की बिक्री से आता है। इस देश की पूरी इकोनॉमी, अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था हथियारों के व्यवसाय पर टिकी हुई। तो हथियारों का व्यवसाय चलना चाहिए, ये उनकी हमेशा की जरूरत रहती। तो हथियारों का व्यवसाय कब चल सकता है? दो ही तरीके से चलता है। या तो दो जगहों के बीच युद्ध चल रहा हो और उस युद्ध में वो हथियार बेचे जाएं, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर दो देशों के बीच ना होकर सारी दुनिया में कोई युद्ध चल रहा हो और उसमें हथियार बेचे जाएं। और आज के जमाने में सारी दुनिया में एक अघोषित युद्ध चल रहा है जिसको आप आतंकवाद कहते हो। ये जो आतंकवाद के लोगों को जो भी लगे हुए हैं उसमें, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो आसाम में हो, चाहे नागालैंड में हो, चाहे त्रिपुरा में हो, चाहे मणिपुर में हो या किसी भी दूसरे देश के हिस्से में हो, इन सारे बड़े बड़े आतंकवादियों को हथियार भेजने का काम ऐसी ही कंपनियां करती हैं। एक बंदूक है, आपने उसका नाम सुना होगा, AK-47। ये जो AK-47 नाम की बंदूक है ये अमरीका की कंपनी की बनाई हुई। और ये हिन्दुस्तान में कैसे आती? पहले अमरीका की कंपनियां उसको चीन में बेचती, चीन उसको पाकिस्तान को देता और पाकिस्तान के माध्यम से फिर हिंदुस्तान में आती। और हर साल अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश लाखों करोड़ रुपए का हथियारों का व्यवसाय करते हैं। और हथियार दो तरह के होते हैं, एक तो वो हथियार होते हैं जो बंदूक की तरह के हैं, तो गोला बारूद की तरह के हैं, लेकिन आज की दुनिया में कुछ खतरनाक किस्म के भी हथियार बनते हैं जिनको हम केमिकल बम कहते हैं। और ये जो केमिकल बम होते हैं वो केमिकल बम तोप के गोले से कुछ भिन्न तरह के होते हैं। उनमें जहरीली गैसें भरी जाती हैं और वो जहरीली गैसें जब बम फटता है तो पूरे वातावरण में फैल जाती हैं और वो वातावरण में जो भी आदमी सूंघेगा उस गैस को वो मर जाता है। तो तोप के गोले से ज्यादा असरकारक होता है केमिकल बम, और अमरीका की ढेरों कंपनियां केमिकल बम बनाती हैं। और उन केमिकल बम को बनाने के लिए 2-3 जहरीली गैसें इस्तेमाल होती हैं। एक गैस है उसका नाम है फॉस्गिन, दूसरी गैस है उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, और ऐसी 2-3 और गैसें हैं। तो ये जो भोपाल के कारखाने में गैस निकली थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी। और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का ये टेस्ट करके देखना हो कि ये कितने लोगों को मार सकती है, ये अमरीका में नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमरीका में वो मानते हैं कि लोगों की जिंदगी की कीमत बहुत है, इसलिए अमरीका में नहीं कर सकते। और अमेरिका में ही नहीं कर सकते, अमीर देशों में कहीं भी नहीं कर सकते इस तरह के एक्सपेरिमेंट। कारण क्या है? कारण उसका एक सीधा साधा है कि उनके पर्यावरण के कानून बहुत सख्त हैं और सरकारों ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि वहां के लोगों की ही हत्या नहीं होनी चाहिए कोई भी एक्सपेरिमेंट करने। तो ऐसी कंपनियां ऐसे प्रयोग करने के लिए, जहरीली गैसों के प्रयोग करने के लिए हिन्दुस्तान जैसे देशों को तलाश थी। और यही हुआ था भोपाल में। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली और एक रात में 10,000 लोग मर गए और पिछले 12 साल में 5,00,000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए। अभी भी मौत का तांडव चलता है भोपाल में, अभी भी लोग मरते हैं उस जहरीली गैस के असर से। वो उन्होंने बाकायदा खूबसूरत प्रयोग करके देखा और इसी प्रयोग के बाद फिर अमरीका की फौजों ने और यूरोप के देशों की फौजों ने केमिकल बम गिराए इराक के ऊपर जब खड़ी हुई। खाड़ी युद्ध में वही गैसों के जहरीले बम, वही केमिकल बम उन्होंने गिराए और उनको बराबर उसके परिणाम मिले, लेकिन बम गिराने से पहले के जो प्रयोग किए गए वो हिंदुस्तान जैसों में, ब्राजील जैसे देशों, चिली और कोस्टारिका जैसे देशों, कोलंबिया जैसे देशों, ऐसे गरीब देशों में जहां की सरकारें बिकाऊ होती हैं वहां पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं।
जो भोपाल में जो कुछ हुआ था वो ऐसे ही दुर्घटना नहीं, वो हिंदुस्तान के लोगों पर किया गया एक्सपेरिमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट आगे और बढ़ेंगे। ऐसे ढेरों एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। एक विदेशी कंपनी आई है हिंदुस्तान में दवा बेचती है और वो दवा दुनिया के किसी भी देश में नहीं बिकती। अभी तक उस दवा के ऊपर कोई क्लिनिकल टेस्ट नहीं किया गया, कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ के लोगों के ऊपर उस दवा का क्लिनिकल टेस्ट और क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। उस दवा का नाम है नॉर्थ प्लांट, बहनों के ऊपर हो रहा है। ये दिल्ली में चलता है और दिल्ली के सारे डॉक्टर जानते हैं कि इस दवा का क्लिनिकल टेस्ट कहीं हुआ नहीं है, उसको हिंदुस्तान में भेजा गया। और ऐसी एक नहीं, शायद आप लिस्ट बनाइए तो सैकड़ों दवाएं हैं जिनको दुनिया के तमाम देशों में जहर घोषित किया है, वो हिंदुस्तान में धड़ल ले चलती और ऐसी कंपनियां लेके आती। ब्रिटेन में नहीं चलती, ऐसी तकनीकों को लाके हिंदुस्तान में डंप कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, ये जो बम्बई है ना, और बम्बई के बाजू में पूरा गुजरात है, मैं आज आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी तो एक भोपाल बना है हिंदुस्तान में, गुजरात में तो 50 से ज्यादा ऐसी बन सकते हैं। आपको मालूम है इस भोपाल, इस गुजरात की कहानी क्या है? ये गुजरात एक जमाने में कृषि प्रधान प्रदेश था, आज पूरा का पूरा प्रदेश केमिकल इंडस्ट्री वाला प्रदेश बन गया। मैं जब भी बड़ौदा से गुजरता हूँ, जब भी भरूच और अंकलेश्वर से मेरी ट्रेन गुजरती है, फिर मैं चक्कर आने लगता हूँ। बड़ौदा के लोग मुझसे बताते हैं, मैं जाता हूँ बड़ौदा, पानी वहां का जहरीला हो गया, जमीन के नीचे से निकलने वाला पानी जहरीला हो गया। और ऐसे 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी आई है विदेशों से वो दुनिया के सारे देशों में रद्द कर दी गई है, बैन कर दी गई है, वो टेक्नोलॉजी गुजरात में लाई गई है। तमाम जगहों पर उसके कारखाने चल रहे हैं और पर्यावरण का प्रदूषण ही नहीं बढ़ रहा, लोगों के मौत की तैयारी हो रही है। किसी भी दिन आपको पता चलेगा कि दूसरा भोपाल कहीं बड़ौदा में बनेगा या बड़ौदा के आसपास बनेगा, और एक बार बच चुका है। बड़ौदा के पास जो बड़ा प्रोजेक्ट है केमिकल टेक्नोलॉजी वाला, एक बार उसमें ऐसी दुर्घटना हुई है। भगवान की कुछ ऐसी कृपा थी कि उस दिन हवा जो थी वो बड़ौदा से बाहर की तरफ बह रही थी। अगर हवा बड़ौदा शहर के अंदर की तरफ बह रही होती तो बड़ौदा नहीं रहता। इतने खतरनाक प्रोजेक्ट इस देश में आए और ये सब टेक्नोलॉजी के नाम पे लाए गए, और ऐसे जगह जगह विनाश के कारखाने खड़े किए जा रहे हैं, और ये सारी की सारी केमिकल इंडस्ट्री वहां से बंद की जा रही है, यूरोप के देशों से, अमेरिका के देशों से, और उसको हमारे यहाँ लाके लगा रहे हैं। मुझे दर्द बहुत है अपने दिल में भोपाल का, क्योंकि 12 साल हो गया है, अभी तक किसी को न्याय नहीं मिला। हमारे जैसे लोग 12 साल से, मैं तो मेरे विद्यार्थी जीवन से ये मांग कर रहा था कि वॉरेन एंडरसन, जो यूनियन कार्बाइड कंपनी का सबसे बड़ा ऑफिसर, उसको लाके हिंदुस्तान में गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाना चाहिए, लेकिन आज तक किसी सरकार को फुर्सत नहीं है उसको गिरफ्तार करने। इस देश में न्याय की पद्धति क्या है? आपकी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने हजारों लोग मरे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन उनको हम न्याय नहीं दे पा रहे हैं। ये कैसा न्याय? ये भोपाल में हुआ है और अगले तमाम जगहों पर होने की तैयारी है। इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि ये भोपाल एक नहीं है, हिंदुस्तान में 60-70 भोपाल बन सकते हैं किसी भी दिन। जिस दिन वहां वहां इस तरह के एक्सपेरिमेंट होने शुरू हो जाएंगे वो भोपाल बन जाएंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि हम और हमारे जैसे लोग तो विदेशी कंपनियों की लेबोरेटरी के चूहे हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, मरे तो मर जाए। और उससे भी ज्यादा दुख मुझे दूसरी बात का होता कि भोपाल में जो हजारों लोग मर गए, हमारे दिल में कहीं हलचल नहीं हुई है। सारे देश ने शांति के साथ इसको देखा। सरकार बिक जाती है समझ में आता, कोर्ट कुछ नहीं करता समझ में आता, लेकिन देश के लोग इतने मरे हुए हैं कि मेरा भाई मर गया, मेरे पड़ोसी मर गए, लेकिन हमारी आंखों का पानी भी नहीं उतरा। जानते हैं ये क्यों हुआ? ये मैं मेरे भाषण में जो कह रहा, सिर्फ दुर्घटना नहीं, भोपाल एक चेतावनी है कि अगले कुछ वर्षों में अगर हम नहीं जगे तो हिंदुस्तान में जगह जगह भोपाल बनेंगे। दूसरा सवाल इन्होंने पूछा था कि आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते, और मेरा जवाब मैं आपको बता दूं कि अगर मैं चुनाव लड़के पार्लियामेंट में पहुंच भी जाऊं तो ये पार्लियामेंट मेरा नहीं है, ये पार्लियामेंट उनका है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम मेरा नहीं है, स्वदेशी नहीं है, ये विदेशी तंत्र है। और इस विदेशी तंत्र में आप किसी भी अच्छे से अच्छे आदमी को भेज दीजिए, वो वही करने वाला है जो हो रहा है। इसको एक उदाहरण से समझिए, हमारे यहाँ पता है क्या होता है, और तीसरे सवाल का जवाब भी इसी में आ जाएगा कि ये भाजपा अपनी है कि नहीं। क्या होता है
कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था एक मोटर गाड़ी की तरह है, आप ड्राइवर बदलते जाते हो लेकिन कार वही चलती जाती है। एक ड्राइवर बदला, दूसरा आया, दूसरा बदला, तीसरा आया, तीसरा बदला, चौथा चला आया, चौथा बदला, पांचवा आया, लेकिन आप दुर्भाग्य से वो कार नहीं बदल रहे हो, ड्राइवर बदल रहे हो। तो कार को जो करना है वो करने वाली, और धीरे धीरे एक दिन आपको ये समझ में आएगा कि अभी तो वो इंडियन ड्राइवर से काम चला रहे हैं, चार पांच साल और रुक जाइए, इंडियन ड्राइवर को निकाल के बाहर कर देंगे, खुद बैठने वाले हैं स्टीयरिंग सीट पे, जो मैंने बताया आपको कि पार्लियामेंट में वो पहुंचने वाले हैं, तो फिर आपके ड्राइवर की भी जरूरत नहीं। इसलिए कोई पार्टी आपकी हो नहीं सकती, और इस पर बहुत गंभीरता से सोचिए कि क्या हमको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए। और मैं आपसे पूरे गंभीरता से कह रहा हूं कि दुनिया के उन तमाम देशों में जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, फेल हो गया है। किसी भी देश, चाहे अमेरिका में, चाहे ब्रिटेन में, चाहे जर्मनी में, चाहे फ्रांस में, हर देश में क्राइसिस है पॉलिटिक्स में, और वो क्राइसिस इस सिस्टम की है, और वही सिस्टम हम चला रहे हैं। तो इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप बिल्कुल उम्मीद मत करिए। कांग्रेस को हटा दीजिए, जनता दल आ जाएगा, जनता दल को हटा दीजिए, सीपीएम को ले आइए, सीपीएम को हटा दीजिए, बीजेपी को ले आइए, काम सबके वैसे ही होने वाले, और नहीं हो तो करके देख लीजिए। गुजरात में तो आपने सारे प्रयोग किए, देख लीजिए आप हमारी आंखों के सामने, महाराष्ट्र में प्रयोग चली रहा, राजस्थान में प्रयोग चली रहा, आप इन तीनों प्रदेशों में से कोई एक प्रदेश बता दीजिए जहां विदेशी कंपनियां नहीं आ रही, या इनकी सरकारें कुछ और काम कर रही हैं पुरानी सरकारों से अलग, सब तो एक ही तरह का काम कर रहे हैं। और मैं तो कभी कभी ये बात गंभीरता से कहता हूं, लेकिन मजाक की बात है, मैं कहता हूं कि हर पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र उठा लीजिए आप, और उसका कवर पेज फाड़ दीजिए, और उसके बाद गड्ढमड्ढ कर दीजिए, और मैं आपको दे दूं, आप बता नहीं सकते कि कौन सा घोषणा पत्र किस पार्टी का। सबके चुनाव घोषणा पत्र एक जैसे, फर्क बस इतना है कि किसी के चुनाव घोषणा पत्र में कोई बात पेज नंबर एक पर होगी तो दूसरी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में पेज नंबर 10 पर होगी, किसी में वो बात पेज नंबर 15 पर है तो किसी में पेज नंबर 40 पर हो जाएगी, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं, कोई क्वालिटी का फर्क नहीं। और मैं तब आपसे कह रहा हूं कि हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि ये संसदीय लोकतंत्र हमको चाहिए क्या, और अगर ये संसदीय लोकतंत्र चाहिए तो इसके स्वरूप के बारे में तय करिए। मैं बहुत गंभीरता से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं पिछले कुछ वर्षों में, हो सकता है मेरा निष्कर्ष गलत हो, मैं ये नहीं कहता कि यही आखिरी सच है, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान से पार्टियों का शासन खत्म करना पड़ेगा, इन पार्टियों को हटाना पड़ेगा। जानते हैं क्यों? मैं मेरे घर का उदाहरण देता हूं, बिल्कुल ताजा उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, चुनाव हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे फोन किया, मैं एक जगह गया हुआ था ऐसे ही व्याख्यान करने, मेरे पिताजी ने फोन किया, क्या फोन किया कि तुमको घर आना, मैंने कहा किस लिए, कि वोट डालना, चुनाव आ गया वोट डालना, मैंने कहा क्यों वोट डाले, कि तुम्हारा बहुत पवित्र काम है वोट डालना, तो मैंने कहा काहे को आए घर पे। तो उस दिन मैं बताऊं आपको कि 35 मिनट मेरे पिताजी फोन पर बात करते रहे एसपीडी से और मुझको समझाते रहे, अंत में उन्होंने कहा कि तुमको इसलिए आना है कि कांग्रेस को वोट डालना। थोड़ी देर के बाद मेरी मां ने उनके हाथ से फोन छीन लिया, मेरी मां कहने लगी कि तुमको घर इसलिए आना है कि वोट भाजपा को डालना। मेरा भाई भी था उनके साथ वहां फोन पे, तो उसने कहा भैया आपको इसलिए आना है यहां पे कि ना हम भाजपा को वोट देना चाहते हैं, ना हम कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, हम किसी इंडिपेंडेंट को वोट देना चाहते हैं। मेरा एक घर है, उस घर में मेरे पिताजी कहते हैं कांग्रेस को वोट डालो, मेरी मां कहती है भाजपा को वोट डालो, मेरा भाई कहता है कि इंडिपेंडेंट को वोट डालो, और मैं कहता हूं कि वोट डालने की जरूरत ही नहीं है, वो पड़ जाएगा वैसे ही, मैं जाऊं या ना जाऊं वो वोट पड़ने वाला है। तो ये जो तंत्र है इसने जानते नतीजा क्या पैदा किया, मेरा एक घर जिसमें मैं, मेरी मां, मेरा भाई, मेरे पिताजी चार हिस्सों में बटे हुए हैं, एक कहता है भाजपा, दूसरा कहता है कांग्रेस, तीसरा कहता है इंडिपेंडेंट, चौथा कहता है कि वोट ही मत डालो, माने मैं मेरे घर की हैसियत के हिसाब से एकता कायम नहीं रख सकता, घर के चार हिस्से हो गए, ये हर घर में है, एक भाई भाजपा में, दूसरा कांग्रेस में, तीसरा जनता दल में, चौथा सीपीएम में, पांचवा सीपीआई में। जानते हैं अंग्रेजों ने इस देश को कैसे तोड़ा था? साम, दाम, दंड और भेद। तो साम से तोड़ नहीं पाए, दंड से तोड़ नहीं पाए,
भेद की नीति बराबर चली और भेद किया समाज के हर स्तर पे, पूरे समाज को बांटा और पूरे समाज को बांट के हिंदुस्तान को तबाह कर दिया। जो भेद की नीति अंग्रेजों ने अपनाई इस देश में, आज का पॉलिटिकल सिस्टम वही भेद की नीति अपना रहा। घर घर में क्राइसिस खड़ी हो रही कि तुम इस पार्टी में जाओ कि तुम उस पार्टी में जाओ, और हम एक घर की हैसियत से उद्देश्य सबके बराबर है लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं अलग अलग। और मैं जानता हूं कि मेरा वोट मैंने जिस पार्टी को दे दिया, सत्ता में आने के बाद वो मुझको भूल जाएंगे, नमस्कार भी नहीं करेंगे, उसके पहले तक मेरे घर पे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, गधे को बाप बना लेंगे क्योंकि वोट चाहिए, और वोट मिलकर जब चलेगा तो 5 साल तक शक्ल दिखाई नहीं देगी आपको। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम अपना है नहीं, ये तो अंग्रेजों ने हमको बर्बाद करने के लिए दे दिया। और इस पॉलिटिकल सिस्टम को अगर आप और आगे चलाएंगे तो समाज और ज्यादा टूटेगा। मेरा जो दर्द है वो डर ये है कि समाज टूट रहा है, पॉलिटिक्स उस पर चल रही है, समाज में विभाजन हो रहा है, घर घर में टूटन हो रही है, पॉलिटिक्स उस पर चल रही है। और वो पॉलिटिक्स किसी बड़े उद्देश्य के लिए होती तो मेरे समझ में आता, अब सबका उद्देश्य सिर्फ सीमित रह गया है कि किसी तरह सत्ता हासिल कर लो और सत्ता सुख भोग लो, ज्यादा से ज्यादा उससे ज्यादा क्या है कि हमारे पास ब्लैक कैट कमांडोज हो जाएंगे, वही हमारा स्टेटस सिंबल है, एक बार मिनिस्टर हो जाएंगे ब्लैक कैट कमांडोज हो जाएंगे, और सब यही कर रहे हैं। इस देश में अगर आप जन नेता हो, इस देश के अगर आप लोक नायक हो, तो ये ब्लैक कैट कमांडोज की क्या जरूरत है। और मान लो कोई आपको मार भी देगा तो ठीक है, तैयारी रखिए मरने की, हाँ क्यों डरते हैं मरने से। और ये तो वो देश है जहां बार बार जन्म की कल्पना है, मुझे तो अगला भी जन्म मिलने वाला है तो कहे को चिंता कर रहे हैं मर जाएंगे, अगली बार हो सकता फिर नेता बन के पैदा हो जाएंगे आप, तो मरने की तैयारी है नहीं। और बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हम समाज के जन नेता हैं, लोक नेता हैं, और मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये जो ब्लैक कैट कमांडोज की व्यवस्था है, दुनिया की कोई भी ताकत लगा दीजिए, अगर आपको कोई मारने वाला पैदा हो गया तो बच नहीं सकते आप। अगर बचाने वाला होता तो इंदिरा गांधी का क्या हुआ, बचाने वाले होते थे तो राजीव गांधी का क्या हुआ, कुत्ते की तरह से मारे गए दोनों के दोनों। तो अगर आपको कोई मारने वाला पैदा हो गया है तो छोड़ दीजिए, और फिर हमारे यहां तो है जिसको प्रभु रखता है उसको कौन मार सकता, और जब प्रभु ने तय कर लिया है तो आपको बचा कौन सकता। तो इतनी तैयारी रख के काम करिए, भारतीय संस्कृति में मरने से कभी डर नहीं रहा है किसी को, और ये आज सबसे ज्यादा डरपोक नेता पैदा हो गए, ब्लैक कैट कमांडो लेके आगे पीछे घूमते हैं, बड़ा रौब पड़ता है, माने लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद करते हैं। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम के नतीजे हैं। और दुनिया में मैंने नहीं देखा, सारी दुनिया तो मैंने नहीं देखी लेकिन कुछ देश तो मैंने देखे, किसी भी देश में एमपीज को घर नहीं दिए जाते रहने के लिए, यहां है महल है उनके पास, किसी देश में नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, स्वीडन में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। एमपीज को रहने के लिए कोठियां नहीं मिलती सरकार की तरफ से, उनको किराए के घर में रहना होता है या अपने घरों में रहना होता है। ये अंग्रेजों ने व्यवस्था डाली हिंदुस्तान में, और अंग्रेजों की डाली हुई व्यवस्था आज भी चल रही है। एक एक एमपीज के पास दो दो घर है, तीन तीन घर है, एक घर पार्टी को दे रखा है, एक घर अपने लिए, काहे के लिए भाई, किराए के घर में रहिए। और इनको आप कहते हो कि ये सब समाज से भी तनख्वाह लेके काम करने वाले क्लर्क हो गए हैं सबके सब, ये नेता, अपना टीए बढ़ाना हो, अपना डीए बढ़ाना हो तो पूरा पार्लियामेंट एक हो जाता। पूछिए जरा इनसे, कोई एक पार्टी माई फिलहाल थी जब ये डीए बढ़ाने की बात हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, अपने भत्ते बढ़ाने की बात आई थी पार्लियामेंट के अंदर, सारे पार्टी के एमपी एक हो गए और फटाफट बिल पारित हो गया। और यहां तक नहीं, व्यवस्था यहां तक कर ली है कि अगर आप एक बार घुस गए पार्लियामेंट में तो जन्म जिंदगी आपके नाती पोतों को भी पेंशन मिलती रहे, काहे के लिए भाई। एक तरफ कहोगे कि हम जन नेता हैं, एक तरफ कहोगे हम लोक नायक हैं, दूसरी तरफ तनख्वाह लेके काम करने की स्थिति तुम्हारी बनी हुई है। तनख्वाह लेके काम तो क्लर्क करता है, जन नेता तो नहीं करता इस देश में काम। तो कहे पार्टियां घोषणा करें कि हमारे एमपी तनख्वाह नहीं लेंगे, तो आप कहोगे कि भरण पोषण की व्यवस्था वो हम करेंगे, समाज के लोग करेंगे। इस देश में तो हमेशा से व्यवस्था रही है कि जो समाज सेवा के काम में निकलता है समाज उसकी व्यवस्था करता है, ये कोई आज की बात थोड़ी है, हजारों साल से यही चला आया इस देश में। जिन्होंने समाज सेवा का काम किया है समाज ने उसकी व्यवस्था की है। तो ये जो पॉलिटिशियंस कहते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, छोड़िए अपनी सारी व्यवस्था, समाज आपकी व्यवस्था करेगा, आप देश चलाने का काम करिए। लेकिन ये तो सब वेतन भोगी हो गए, भत्ते वाले हो गए,
पी ए डी ए इनके बढ़ने चाहिए ऐसे जैसे दूसरे लोगों के बढ़ते जाते हैं और बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी नया पे कमीशन बिठा दिया तो उस पे कमीशन के माध्यम से अधिकारियों की तनख्वाह बढ़ेगी तो एमपी एमएलए की भी तनख्वाह बढ़ाने का काम चालू है। ये काहे का पॉलिटिकल सिस्टम। इसलिए दोस्त मैं इस पॉलिटिकल सिस्टम में जाने का माने इस देश से गद्दारी समझता हूं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि चुनाव लड़के पार्लियामेंट में जाके कभी क्रांति नहीं हो सकती। मैंने बड़े बड़े दिग्गजों को देखा, मैंने मेरी आंखों से देखा, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं जो आंखों में सपने लेके क्रांति के बगावत के ये और वो, और यही दिग्गज बड़ा झंडा लेके 1977 में पहुंचे थे पार्लियामेंट में। आपको मालूम है बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था इस देश में, ज्योति आंदोलन, जयप्रकाश आंदोलन, और उसमें बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग थे। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जो बड़ौदा डायनामाइट केस के अपराधी थे और इस देश के नौजवानों में सुरसुरी पैदा करते थे। जैसे ही पार्लियामेंट के अंदर घुसे उनकी सारी तेजस्विता नष्ट हो गई। आज वो किसी काम के नहीं, सिवाय इसके कि इस पार्टी का पल्ला पकड़ो या उस पार्टी का पल्ला पकड़ो। पूरी ताकत उनके जिंदगी की अब इसी काम में जा रही है। ऐसे क्रांतिकारियों को हमने देखा है जो आग उगलते थे जब पार्लियामेंट के अंदर नहीं गए थे, और अब पार्लियामेंट में जाने के बाद मुंह सूख गया है उनका, जवाब नहीं दे सकते हैं उनसे सवाल पूछने के। तो इस पार्लियामेंट में कुछ है नहीं। और जेपी की एक बात मुझे बराबर याद रहती है, ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग कुत्ते की तरह से सूखी हड्डियां चूस रहे, तो मैं कुत्ते की तरह से सूखी हड्डी चूसने के लिए पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहता। और मुझे भरोसा है कि इस देश में अगर क्रांति होगी तो पार्लियामेंट के बाहर होगी, पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगी, पार्लियामेंट के बाहर क्रांति होगी। और मैं ज्यादा नहीं कहता, 1-2 लाख नौजवान मिल जाए कमिटमेंट वाले जिनको मरने से डर नहीं लगता, और ऐसे नौजवान जिनको मरने से डर नहीं लगता हो मेरी डायरी में मेरा नाम ले, अपना नाम मुझे ले, ज्यादा नहीं कहता 1-2 लाख चाहिए, इस देश की सारी व्यवस्था बदल जाएगी। ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं, कमिटमेंट वाले 1-2 लाख लोग हो जाए सारी व्यवस्था बदल जाएगी। हमने तो दुनिया में देखा है मुट्ठी भर लोगों ने व्यवस्थाएं बदली। फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ था, 17 लोग थे बस, और उन 17 लोगों ने पूरे फ्रांस को बदल दिया। जर्मनी में क्या हुआ, हिटलर एक अकेला था, सारा देश खड़ा कर दिया। कहीं भी देखिए दुनिया में कुछ कमिटमेंट वाले लोग, शर्त एक ही है जिनको मरने से डर नहीं, ऐसे कमिटमेंट वाले लोग चाहिए। ये पार्लियामेंट क्या दुनिया की सारी व्यवस्थाएं बदल सकती है, और वो पार्लियामेंट के बाहर से होता, पार्लियामेंट के अंदर से नहीं होता। और आखिरी सवाल का जवाब एक लाइन में, जैसे कांग्रेस है जैसे जनता दल है, जैसे सीपीएम है जैसे सीपीआई, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी है, उसमें और बाकी पार्टियों में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं। वो भी सत्ता की लड़ाई में वैसे ही शामिल हो गए हैं जैसे दूसरी पार्टियां वाले शामिल हैं। उनको भी अब सत्ता ही दिखाई देती है, ना आदर्श दिखाई देते हैं, ना अपनी घोषणाएं दिखाई देती हैं जो सत्ता के पहले वो करते थे। वहां पहुंच के तो भाषा ऐसी हो गई, आपने देखा जब पार्लियामेंट में वो 13 दिन की डिबेट चल रही थी, क्या क्या समझौते करने की तैयारी हो चुकी थी, एक कुर्सी के लिए, अपनी सारी आइडियोलॉजी उठा के कूड़े में फेंक दिया एक कुर्सी के लिए। ये उनके अंदर भी आ गया, इसलिए उनमें और बाकी पार्टियों में कोई फर्क नहीं। और मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं, आप जितने दिन पार्टियों के चक्कर में रहेंगे उतना ही अपना नुकसान करेंगे, देश का नुकसान करेंगे। इन पार्टियों का चक्कर छोड़ दीजिए, पार्टियों का चक्कर छोड़कर देश के चक्कर में पड़िए। आज इनके लिए पता क्या हो गया, पार्टी देश से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, देश नहीं है पार्टी महत्वपूर्ण। और उसमें क्या है, पार्टी नहीं टूटनी चाहिए, देश टूटे तो टूट जाए। सारे समझौते किसके लिए करते हैं, पार्टी नहीं टूटनी चाहिए चाहे जितने गलत समझौते करने पड़े, सरकार नहीं जानी चाहिए चाहे जितने गलत समझौते करने पड़े। तो अब इनके लिए भी देश महत्वपूर्ण नहीं है, समाज महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है, सत्ता महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि पार्टी कभी देश से बड़ी हो नहीं सकती। जो लोग इस भ्रमणा में है कि पार्टी देश से बड़ी हो गई है, उनको मैं कह रहा हूं कि पार्टी देश से बड़ी कभी होती नहीं, देश बड़ा होता है। ये देश रहेगा तो आप रहेंगे, ये देश नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहेंगे। इसलिए पार्टियों का चक्कर छोड़िए और इस पॉलिटिक्स की बात छोड़िए, अब तो क्रांति की बात करिए। जितने देर पॉलिटिक्स की बात करेंगे उतना ही ज्यादा आपको निराशा होगी, जितनी देर क्रांति की बात सोचना शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा आशा का संचार होगा, उत्साह आएगा, उमंग पैदा होगी। बस यही जवाब मुझे देंगे। राजीव जी, अगर आपके जाए तो और भी कुछ सवाल है, क्या आपने कोई मल्टीनेशनल कंपनी मार बगाई है? हाँ, है तो हम लोग बहुत छोटे ताकत में, लेकिन कुछ 2-3 काम किए। अभी तो ताजा ताजा एक आपको सुना सकता हूँ, राजस्थान का। राजस्थान में एक जिला है उसका नाम है अलवर। अलवर जिले में एक जगह है उसका नाम है तिजारा।
तिजारा एक बहुत मशहूर जैन तीर्थ स्थान है, दिगंबर जैन के लोगों का बड़ा मशहूर तीर्थ स्थान है। तो वहां क्या हुआ, अमेरिका की एक कंपनी है विल्सन और हिंदुस्तान की एक कंपनी है केडिया, दोनों ने मिलकर शराब के कारखाने लगाने के लिए तिजारा के पास 450 गांव की 50,000 बीघा जमीन एक्वायर की। मैं एक बार अंदर गया हुआ था, कुछ भाई लोग मेरे पास आए कि राजीव भाई आप तो विदेशी कंपनियों के पीछे डंडा लेके घूमते हो, हमारे गांव में विदेशी कंपनी आ गई। मैंने कहा क्या करने आई है, तो कहने लगे शराब बेचने के लिए आई, तो शराब का कारखाना खुलेगा। तो मुझे लगाया, मैंने पूछा उनसे कि आपका गांव अलवर से कितना दूर है, उन्होंने कहा बिल्कुल नजदीक है, आप चाहो तो कल चल सकते हैं। तो मैंने मेरे सारे प्रोग्राम पोस्टपोन किए और मैं अगले दिन अलवर गया, और अलवर जाके मैंने देखा कि सामने जैन मंदिर है और बिल्कुल बाजू में जमीन दे दिया शराब बनाने के लिए। किसने किया, सरकार ने। किसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। मुझे बहुत क्रोध आया, फिर मैंने गांव के लोगों की मीटिंग बुलाई, मैंने कहा आपने जमीन क्यों बेची, तो उन्होंने कहा कि साहब जमीन हमने नहीं बेची, जबरदस्ती हमसे अंगूठा लगवाया, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे कलेक्टर SSP फोर्स लेके गांव में जाते थे, गांव के लोगों को धमकाते थे कि जमीन बेचो, नहीं बेचोगे तो जेल के अंदर डाल देंगे, ये काम उन्होंने करवाया। और इस तरह से गांव के लोगों को डरा के धमका के जमीन एक्वायर कर ली। मैंने कहा अगर ऐसा हुआ है तो हम तो लड़ेंगे इसके लिए, आप बोलो कितनी मदद करोगे। उन्होंने कहा जो आप कहिए वो करेंगे। मैंने कहा सबसे पहला काम ये करो, गांव पंचायत की मीटिंग बुलाओ। तो ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई, ग्राम पंचायत की मीटिंग में मैंने पूछा सबसे कि आप बताओ कि आपने कोई प्रस्ताव पारित किया था जमीन बेचने के लिए। तो ग्राम पंचायत का हर सदस्य कहता था हमने कभी कोई बात नहीं की। तो मैंने कहा ये बताओ कि ये जितनी जमीन गई है इसमें गोचर की जमीन भी है। कि हाँ साहब बड़ी जमीन तो गोचर की है, वो ले लिया सर आपके कारखाने बनाने के लिए। तो हमने कहा कि आज आप प्रस्ताव पारित करिए कि गांव पंचायत ने गांव सभा ने कोई भी जमीन दी नहीं है विदेशी कंपनी को, जबरदस्ती हमसे ये जमीन ली गई। और गांव सभा ने गांव पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया और ऐसा 40 गांव में हमने करवाया। और वो 40 गांव में जब ये प्रस्ताव पारित हो गए, मैंने कहा अब हम जाएंगे कोर्ट में। और कोर्ट में हम गए और हमने ये केस लगवाया और कहा कि देखिए किस तरह से कानून का सरेआम उल्लंघन होता है। और ये जमीन जो थी वो खेती की जमीन थी, बहुत अच्छी खेती होती। मैंने कंपनी से आंकड़े मंगवाए, मैंने कहा आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए। केडिया और विल्सन का जो जॉइंट वेंचर था उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब मेरे पास आई तो मैंने देखा उसमें उन्होंने लिखाया हुआ था कि 5 करोड़ लीटर पानी उनको चाहिए प्रतिदिन शराब बनाने के। और उस पूरे एरिया को राजस्थान सरकार ने डार्क जोन घोषित किया। डार्क जोन माने सूखे वाला इलाका, जमीन के 100 फीट नीचे तक पानी नहीं है वहां पे। तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये 5 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन लाएंगे तो कहां से लाएंगे। तो उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आगे पढ़ने पर पता चला कि वो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करेंगे, माने अपने पंप लगाएंगे और पंप लगा के जमीन के नीचे का पानी सींचेंगे। और प्रतिदिन अगर 5 करोड़ लीटर पानी सींचा जाएगा तो 2-3 साल में तो वो एकदम सूखा पड़ जाएगा। तो ये जो 40 गांव की जनता रहती है इसका क्या होगा, वो तो शराब बनाएंगे, बेचेंगे, मुनाफा कमाएंगे, देश को शराबी बना देंगे, लेकिन इस गांव की जनता का क्या होगा। और इस बात को लेकर हमने आंदोलन शुरू किया और गांव गांव में मैंने पदयात्राएं की। 3 महीने में रहा उस इलाके और पैदल जाता था, एक गांव से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। घूमते घूमते मेरे साथ एक जमात खड़ी हो गई नौजवानों की, उसमें सब तरह के लोग थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, जैन भी थे। दिगंबर जैन उस क्षेत्र में बहुत रहे। वहां एक बार एक साधु भगवान आए दिगंबर जैन समुदाय, मैं उनके पास गया। मैंने कहा ये देखिए इतना अनर्थ हो रहा, आपका आशीर्वाद चाहिए, ये बड़ी लड़ाई हमने हाथ में ले ली। उन्होंने कहा इस काम के लिए तो सर्वदा मेरा आशीर्वाद है। तो मैंने कहा आप जैन समाज को कॉल दीजिए कि इस लड़ाई में हमारे साथ आए। तो उनका कॉल आया और पूरा का पूरा जैन समाज हमारे साथ खड़ा हुआ, बड़ी ताकत मिली उससे। फिर उसके बाद मैं एक मौलाना साहब से मिला, वहां पे मुसलमान समुदाय के लोग हैं। मैंने कहा कि आपके यहाँ तो शराब अधर्म है, तो उन्होंने कहा कि मैं भी आदेश करूंगा। उन्होंने आदेश किया तो मुसलमान हमारे साथ, हिंदू पहले से ही साथ में थे वहां से। और ऐसी बड़ी ताकत खड़ी हुई, 10,000 नौजवानों का संगठन 3 महीने में खड़ा हो गया। और हमने सबसे एक ही बात की, आप जिस पार्टी के हो उसको घर में रखो, अभी ये बचानी है जमीन जो जा रही है विदेशी कंपनी के। और हर गांव के आदमी का दर्द यही था कि ये जमीन बचनी चाहिए। तो 10,000 लोग जब खड़े हो गए तो एक दिन हमने कुछ नहीं किया, हम गए जुलूस निकालते हुए। और जहां पे इनका कारखाना बनाने का सारा तामझाम रखा हुआ था, कुछ छोटी मोटी बिल्डिंग बनाई हुई थी, वहां पे तार की बाड़ लगा दी थी इन्होंने, हमने कुछ नहीं किया, वो जाके उनकी तार की बाड़ हटा दी और उनके जो कारखाने वारखाने थे उन सबको हटा दिया, एक तरफ रख दिया। और वहां पे हमने लिख के टांग दिया कि ये जमीन गांव की है, ये कभी विदेशी कंपनी की होनी है। उससे गांव वालों में बहुत ताकत आई। पहले गांव वाले डरते थे कि साहब इस विदेशी कंपनी के खिलाफ कैसे करेंगे, सरकार पीटेगी, पुलिस मारेगी। मैंने कहा मारेगी, इससे ज्यादा क्या करेगी। और उस दिन क्या हुआ कि जब हम ये सारा काम कर रहे थे तो केडिया कंपनी ने अपने कुछ गुंडे बुलवाए और उससे गोली चलवाई।
गोली चली हम लोगों के लिए, ऊपर वाले की मेहरबानी थी या महाराज साहब की कृपा थी मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं लगी, मेरे बगल वाले साथ थे। तो उसके बाद भी हमने काम नहीं रोका, ये उनके डराने का तरीका था। वो हमको धमकी दे रहे थे कि देखो तुमको मार डालेंगे, हमने कहा हमको मरने से डर ही नहीं लगता, तुम मारोगे क्या। और उसके बाद नतीजा निकला कि जब गोली चली तो गांव में और ज्यादा उत्साह फैला। वो पता चला कि 10,000 की फौज अब 20,000 25,000 की फौज में कन्वर्ट होने वाली। फिर धीरे धीरे अखबारों में आना शुरू हुआ, और अखबारों में आना शुरू हुआ तो एक दिन फिर हमने क्या किया पता, वहां के सरकार के मंत्री द्वारा उद्घाटन का एक पत्थर लगाया था उन्होंने, शराब के कारखाने के उद्घाटन का। हमने कुछ लड़कों को इकट्ठा किया और एक दिन वो पत्थर उठा के फेंक दिया, और जिस दिन हमने वो पत्थर उठाया सारे गांव में हमने ऐलान कर दिया कि आज के बाद ये जमीन हमारी है, हम इस पर खेती करेंगे, फसल बोएंगे, देखे कौन आता है और इसको रोकता है। और हमने गांव में बैरिकेड लगवा दिए कि आज के बाद इस गांव में कोई पुलिस अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिना गांव सभा की परमिशन के घुसेगा नहीं। तुम जयपुर में सरकार चलाते हो चलाओ, हमारे गांव में हमारी सरकार है, और हमारी सरकार ये आदेश करती है कि आज के बाद कोई भी मंत्री, कोई भी एमएलए, कोई भी कलेक्टर घुसेगा नहीं गांव में बिना गांव सभा की परमिशन। एक बार क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोशिश की, अपनी जीप लेके आया, लाल बत्ती हरी बत्ती टेंटेंटेंटे करते हुए गांव में बैरिकेड लगाया हुआ था, वहां आके जीप खड़ी हो गई, आदेश देने लगा कि इसको हटाओ। गांव की बहनें निकली और एक एक लठ उठाया, मार मार के कार के शीशे तोड़े, भागे सब वहां से दुम दबा के, डीएम भागा उसके पीछे पीछे, उसका अर्दली भागा। और गांव वालों ने देखा कि हमारे सामने जब डीएम भाग सकता है तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं, उनकी हिम्मत वापस आई। और आज नतीजा ये है कि राजस्थान सरकार को वो लाइसेंस रद्द करने पड़े। छोटे काम है, शुरू शुरू में जब उठाए जाते हैं तो 50 लोग कहते हैं अरे ये हो नहीं पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर संकल्प शक्ति हो और मन में पवित्रता का भाव हो, आपका उद्देश्य बड़ा हो, समाज के हित में हो, तो जीत तो होती ही है अंत में। भले ही हमारी शक्ति कम है, आज कम है, कल अधिक हो जाएगी, और अधिक कैसे होगी, ऐसी छोटी लड़ाइयां लड़ते लड़ते किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी हम करेंगे, ये कर रहे हैं। 1992 से हमने ये अभियान शुरू किया था, 1992 से अब तक इतना कर पाए हैं हम। 3-4 लोगों ने ये अभियान शुरू किया था, तब सब लोग कहते थे कि क्या फालतू का काम कर रहे हो, अच्छा खासा कैरियर छोड़ के इस तरह के काम में लग गए, परिवार वाले भी नाराज, रिश्तेदार वाले भी नाराज। हमने कहा ठीक है आप नाराज रहिए, क्योंकि ये पशु बन के जिंदा रहना तो हमें मंजूर नहीं है कि हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, पैसा जिंदगी का सब कुछ नहीं होता है, देश उससे बड़ा होता है, समाज उससे बड़ा होता है, संस्कृति बड़ी होती है। और कभी अगर भगत सिंह हो सकते हैं, चंद्रशेखर हो सकते हैं, तो आज क्यों नहीं भगत सिंह और चंद्रशेखर हो सकते हैं, आज भी तो वही परिस्थितियां हैं। तो कुछ लोगों को तो ये करना ही पड़ेगा, और निकल पड़े हम लोग पागलों की तरह से, और आज होते होते कुछ हजार की संख्या हमारे पास है, और 3-4 साल चलेंगे तो शायद कुछ लाख की संख्या हो जाएगी। और जिस दिन वो हो जाएगी उस दिन उनको आमने सामने से टक्कर देके युद्ध की आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। वो आशीर्वाद आपका चाहिए, आपकी दुआएं हमको चाहिए, आपका सहयोग हमको चाहिए, आपका समर्थन हमको चाहिए इस बड़ी लड़ाई में, इस धर्म युद्ध में। जितना आपसे बन पड़े हम लोगों की मदद, हम लोगों का सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।